कुछ तो है गुमिस में आया तो लग रहा है। वाला बताए मेरे को। ओके ऐसा क्यों हो गया कि मैं बोला था ना पेंजिया था, पेंजिया मतलब सब लोग ऐसे जुड़े हुए थे, और धीरे धीरे से क्या हो गया सब बिखर गए, सबके सब बिखर गए। पहले सब जुड़े हुए थे, अब ये यहाँ पे दिखा है ना सब एक क्लम्प था ऐसा, और धीरे धीरे से क्या हो गया ऐसा स्प्रेड हो रहा है। तो स्प्रेड होने से कुछ इधर के ये पहले अटैच था, ये साउथ अमेरिका जो इसको अटैच था, अफ्रीका के साथ अटैच था ऐसा बोलते, इसके साथ अटैच था, लेकिन बाद बाद में क्या हो गया सब सब सेपरेट हो गया। और सेपरेट हो गया क्या हो गया, देखो ये देखो यहाँ से सेपरेट होते गया, और बाद में ये जो नॉर्थ अमेरिका है उसके साथ जुड़ गया, ऐसा अटैच हो गया ऐसा ऐसा बोलते हैं, यहाँ पे जुड़ गया इस तरीके से, और दिस इज व्हाट द थिंग। तो ये ऐसा हो गया, इसके कारण क्या हो गया कि जो नॉर्थ अमेरिका का जो फ्लोरा था है ना, उसने साउथ अमेरिका के फ्लोरा को क्या कर दिया, फ्लोरा फोना को ओवररिडन कर दिया, मतलब कंपटीशन बढ़ गया और ओवररिडन हो गया ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना आपको याद रखना है, मोर देन सफिशियंट हो गया। चलिए, और उसके बाद बोला जा रहा है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स सर्वाइव बिकॉज लैक ऑफ कॉम्पिटिशन इन एनी अदर मैमल। तो देखो ये पहला एग्जाम्पल क्या है, पहले केस में क्या बोला जा रहा है, पहले केस में ये बोला जा रहा है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका साथ ज्वाइन कर दिया, मतलब पहले अफ्रीका का पार्ट था, बाद में मतलब क्या हो गया इसके साथ ज्वाइन कर दिया नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका के साथ ज्वाइन कर दिया साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन करने से क्या हो गया उधर कंपटीशन बढ़ गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया लास्ट तक सेपरेट ही रहा। ऑस्ट्रेलिया लास्ट तक क्या रहा, सेपरेट रहा। देखो ये सेपरेट रहा पूरा का पूरा, नाउ ऑल्सो इट सेपरेटेड, ये कंप्लीटली सेपरेट रहा। और सेपरेट रहने के कारण क्या हो गया, तो वो उसके पास कुछ कॉम्पिटिशन नहीं था, इसलिए क्या हो गया उधर के मार्सुपियल्स बच गए, और मार्सुपियल्स वहीं पे मिलते हैं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में मार्सुपियल्स वही मिलते हैं, पाउचड़ एनिमल वही पे मिलते हैं, बाकी जगह पे मिलना मतलब बंद हो गया, वहां पे प्रोमिनेंटली मिलने लगे, ये रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके चलिए, सो ये चीज थी। देन ये दोनों को, दोनों डायग्राम हमने अच्छे से पढ़े हैं, तो फिर से उसको फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, ये भी और ये भी हमें क्लियर है एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं। ओके अब देखते हैं ह्यूमोल्यूशन ऑफ मैन, मैन के अंदर इवोल्यूशन कैसे होगा इसके बारे में डील करते हैं। ओके वन बाय वन डील करेंगे उसको। फर्स्ट जो कि बोल सकते हैं 15 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ था, अभी ये सब कहानियां हैं, हेरी एंड व्हाट वॉक लाइक गोरिल्ला की तरह चलने वाला और चिंपांजी की तरह चलने वाला एक इंसान डेवलप हो गया था। ओके इसको बोलते हैं ये ड्रायोपिथिकस, मोर एप लाइक था जो कि है ना बोल सकते हैं। और दूसरा था ये, मतलब ये ऐसा बोल सकते, ये ऊपर का डाटा है, इस डाटा में ये दो लोग फिट होते थे, दो लोग फिट होते थे, कौन से 15 मिलियन ईयर अगो हेरी है ना, और वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी उसकी तरह चलने वाले मतलब क्या हो गए थे इंसान के, तो मतलब ऐसे कुछ क्या बोल सकते हैं प्राइमेट्स बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ प्राइमेट बोलूंगा तो बेटर रहेगा, यू कैन से प्राइमेट, मोर ओवर बोल सकते हैं ह्यूमंस बोल सकते हैं, ह्यूमन बोल सकता है कोई दिक्कत नहीं। वैसे चलने वाले लोग थे, उसमें दो कैटेगरीज थे, एक था ड्रायोपिथिकस एक था रामापिथिकस। जो ड्रायोपिथिकस था वो मोर किसकी तरह दिखता था, एप की तरह दिखता था, और जो रामापिथिकस था वो मोर किसकी तरह दिखता था, मैन की तरह दिखता था, मतलब ये ऊपर का डाटा है, इस डाटा में दो लोग फिट होते थे ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। ड्रायोपिथिकस इज लाइक मोर लाइक यफ एंड रामापिथिकस इज मोर लाइक व्हाट मैन, ऐसा बोल सकते हैं राम मैन ऐसा कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके तो दीज आर द टू पर्संस, दिस इज ड्रायोपिथिकस एंड इज इट रामापिथिकस। तो देख सकते हो रामापिथिकस थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा मैन की तरह दिख रहा है, क्योंकि अपने हाथ वगैरह ऊपर ठीक से दिखाई दे रहे हो है ना, बट यहाँ पे देखो ड्रायोपिथिकस क्या है अभी भी किसकी तरह दिख रहा है, इट लुक लाइक व्हाट मोर एप की तरह दिख रहा है। ओके okay, दोनों ही 15 मिलियन ईयर अगो थे, दोनों के भी बॉडीज कैसे थे, हेरिस थे। दूसरा चीज वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी, गोरिल्ला चिंपांजी की तरह क्या करते थे, वॉक करते थे हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके चलिए नाउ नेक्स्ट चीज को हम डील करेंगे। ओके डाटा हो गया, अब देखते हैं 3 से 4 मिलियन ईयर अगो है ना, सो क्या हो गया क्या बोल सकते हैं, मैन लाइक प्राइमेट्स इन ईस्टर्न अफ्रीका। सर थोड़ा सा मैन लाइक क्या बोल सकते हैं, प्राइमेट कहाँ पे आके ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर आ गए थे ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, दे हैड हाइट, उनकी हाइट कितनी थी 4 फिट एंड वॉकड अपराइट, वो खड़ा होकर क्या कर पाते थे, चल पाते थे ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके दिस बिलीव इज बेस्ड ऑन व्हाट फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स फाउंड इन इथियोपिया एंड टेंजेनिया। तो ये जो डाटा है, ये डाटा किसके ऊपर बेस्ड है, पूरा का पूरा डाटा किसके ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर, किसके ऊपर, नीचे की तरफ दे, नीचे की तरफ लाइन दे, कौन सा
कि मैन लाइक फॉसिल बोन्स फाउंड हुए थे कहाँ, इथोपिया एंड टांजानिया। तो ये सिर्फ ये ऐसा फाउंड आउट हुए थे, देखिए ऐसा मिल गया था। ऐसा मिलने का कारण क्या करते हैं, उन्होंने ऐसा प्रिडिक्शन लगा दिया। क्या प्रिडिक्शन लगाया, यार इथोपिया टांजानिया में ऐसा चीज मिला था। उन्होंने बोला कि क्या बोला कि हो सकता है कि ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर, ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर क्या था कि 3 से 4 मिलियन ईयर्स का वो क्या हो गया था, मैन लाइक प्राइमेट मिले, मतलब होते होंगे ऐसा उनका मतलब क्या था, कंक्लूजन था। और इनका हाइट कितना था, उनका हाइट 4 फीट था और वॉक राइट अप, मतलब ऐसा खड़ा होकर चल देता, ऐसा उनका कंक्लूजन था। किसके ऊपर, ये उनके पास एक प्रूफ था इसके बेसिस के ऊपर ऐसा बोल रहे हैं। ओके चलो ठीक है, तो ऐसे कुछ उनको ये चीजें मिली थी, ये स्कल्स मिले थे उनको, द स्कल्स दे गॉट। ओके एनसीडी की लाइन थोड़ा फोड़ के दिया इधर, तो आपको ऐसे समझ में आ गया, इसलिए चलो ठीक है अब आगे चलते हैं। अब 2 मिलियन ईयर की घटना देखते हैं क्या बोला जा रहा है। उसमें क्या था, लाइव इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। अब ये कौन थे देखते हैं, इनका नाम अभी तक मेंशन नहीं किया है, चलो ठीक है। ओके हंटेड विथ स्टोन वेपन्स, स्टोन से हंटिंग करते थे। ओके ईट फ्रूट, खाते थे फ्रूट, कौन हो सकता है आप ही बता दो, क्योंकि हमने पढ़ा है इसके बारे में एनसीईआरटी के अंदर और अपने आप रिवाइज भी किया होगा। इसका नाम बता दो कौन था, 2 मिलियन ईयर को कहाँ रहते थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे, हंटेड विथ स्टोन वेपन बट फ्रूट खाते थे, नाम क्या होगा उनका, अच्छा आपको पता ही नहीं बोल दो, अच्छा एक नहीं बता दिया, बाकी लोग भी ट्राई कर सकते क्या हो सकता है, जस्ट ट्राई करो क्या हो सकता है, हु इज दिस पर्सन, नहीं पता, रट्टा नहीं मारा इसका मतलब, एस्ट्रोलोफिथिकस, दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे दिखो, अच्छा अच्छा बाकी लोग भी बोल रहे हैं एस्ट्रोलोफिथिकस, ये कौन थे आपके, एस्ट्रोलोफिथिकस थे, ठीक है दैट द एस्ट्रोलोफिथिकस वन शुड नो। चलिए आगे चलते हैं, अब 2 मिलियन ईयर की बात करते हैं, 2 मिलियन ईयर की बात करते हैं क्या बोला जा रहा है देखते हैं, व्हाट दे आर सेइंग। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, ह्यूमनॉइड थे, ब्रेन कैपेसिटी क्या थी उनकी, 650 से 800 थी, डिड नॉट ईट मीट, अभी मी मतलब नॉट वेजिटेरियन थे, स्टिल नाउ दे आर वेजिटेरियन। ओह तो ये कौन थे बताइए, नाम बताइए इसका इसका नाम बता दो, नाम आया था लेकिन फिर भी बता दो कौन बताते, कौन थे बताइए, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, ओके एक ने तो बता दिया, अभी तक याद नहीं रह रहा इसका मतलब, समझ गया, याद नहीं हो रहा है किसी को, है ना, आई नो वेरी वेल, कौन होगा ये बताइए, फर्स्ट ह्यूमन लाइक, क्योंकि ये रट्टा मारने वाला चीज है ना। ओहो होमो हैबिलिस, कौन थे, होमो हैबिलिस, याद रखना ऐसे याद रख सकते हो, ह्यूमन लाइक होमो, होमो ह्यूमन ऐसे याद रखो, हो होमो मीन्स वॉट, ह्यूमन लाइक बींग, होमिनाइड ऐसा बोल सकते, होमिनाइड होमो ऐसे याद रखो तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, होमो हैबिलिस। ओके बट फिर भी ईट मीट खाते नहीं थे, ये स्टोन्स देखिए स्टोन के द्वारा हंटिंग करते ऐसा बोला जा रहा है, देखते क्या होता है, ये होमो हैबिलिस है। चलिए 1.5 मिलियन से लोगों की बात कर रहे हैं, ब्रेन कैपेसिटी 900 cc, दूसरा चीज मीट खाते थे और कौन थे, अभी आया था अभी तो बताओ कौन हो सकते हैं 1.5 मिलियन से, अभी पेपर देने वाले आप लोग कैसे दोगे पता नहीं, 1.5 मिलियन से सगो ब्रेन कैपेसिटी कितनी उसकी थी, 900 सीसी थी, मीट खाते थे, अब ये कौन थे, अच्छा ओके ओके गुड, होमो इरेक्टस, कौन थे, होमो इरेक्टस, चलो ठीक है ऐसे याद रख सकते हो, है ना, तो इरेक्टस से याद आया ना, इरेक्टस मतलब ऐसे ईट ईटर, ईटर मीट ईटर, है ना मीट ईटर, इरेक्टस एम ओ मो मीट ईटर ऐसा याद रखो, एम फॉर मीट ई फॉर ईटर ऐसा याद रखो, होमो इरेक्टस, मैं टेक्निक्स बताऊंगा बाद में लेकिन अभी के लिए पढ़ लो खाली इतना याद रखो, दिस आर द थिंग वन शुड नो। ओके चलिए होमो इरेक्टस हो गया एंड फाइनली उसके बाद देख सकते हैं 1 lakh to 40 years ago ब्रेन कैपेसिटी 1400 थी, ईस्टर्न ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के अंदर रहते थे, कौन थे बता, अब इनका नाम बता दो, रिसेंट रिसेंट डाटा है, नजदीक आ गया ना 1 lakh to 40 years से सबको, ब्रेन कैपेसिटी इतनी थी और ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के अंदर रहते, अच्छा ओके समृद्धि ने आंसर दिया, स्नेहल ने दिया, ईश्वर ने दिया, अभिराज ने भी दे दिया, ओके सुमित ने भी
कोशिश किया। और ये तो बहुत अच्छा है ना, ये तो मस्त, हाइड एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडीज, ये कौन इससे मिल सकता है ना। ओके क्या है देखिए, बरीड एंड डेड, हु इज दिस पर्सन, नियंडरथल मैन, कौन था ये, नियंडरथल मैन था, पता होना चाहिए, इस तरीके से डील कर सकते, इसे अंडरस्टैंड कर सकते ना, नियंडर होमो नियंडरथल्स, नियंडरथल मैन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट। एंड लेट्स सी लास्ट वन, आइस एज की बात कर रहे हैं या आइस एज में बोला जा रहा है, 75,000 to 10,000 years आगे की बात कर रहे हैं। प्राइवेट सेंड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन सेंड प्राइवेट आल्सो। प्री हिस्टोरिक केव्स एंड आर्ट का डेवलपमेंट ये लोग कर रहे थे, है ना, 18,000 years आगे की बात कर रहे हैं, बता सकते हो कौन हो सकता है, बता दो, टेंशन मतलब कौन हो सकता है, हु इज दिस पर्सन। अच्छा, देखते देखते, कितने लोगों का एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट 10,000 years अगो स्टार्ट हो गई थी, एंड दिस होमो सेपियन, दिस वॉज अ मॉडर्न मैन, ये आपका कौन है, मॉडर्न मैन है बोल सकते, दिस वॉज द मॉडर्न मैन। ईसीपी जो प्राइवेटली सेंड करो, मुझे दिखाई देगा, विद्या सरिता एकेडमी पे सेंड कर दो। ओके लाइकवाइज, एंड दिस वॉज द एंड आई थिंक, सीक्वेंस याद रखना, बहुत अच्छा स्लाइड है, थोड़ा दिखेगा आपको, थोड़ा सा ड्राई दिखेगा। ओके सीक्वेंस याद रखो, पहला ड्रायोपिथिकस ऐसा दिखता था, दूसरा रामापिथिकस कुछ ऐसा दिखता था, ड्रायोपिथिकस इज व्हाट इज मोर लाइक व्हाट, यस प्लीज, ड्रायोपिथिकस इज मोर लाइक व्हाट, हाँ अब बता दो, मैं कुछ ज्यादा ऐसा याहू करने नहीं वाला, मैं सिंपल तरीके से पूछ रहा हूँ, बता दो आंसर मुझे। दूसरा ये रामापिथिकस इज व्हाट, मैन लाइक। अब तीसरा कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, कैन यू टेल मी रिगार्डिंग द ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इसके बारे में बता सकते हो। स्टोन एंड वेपन्स, और कुछ कनेक्टिंग लिंक, और कुछ बायपेडल, यस गुड गुड, अच्छा इंफॉर्मेशन है। चलिए नेक्स्ट, होमो हैबिलिस कुछ ऐसे दिखते थे, बताइए कैसे थे, होमो हैबिलिस के बारे में बताइए, होमो अच्छा वेजिटेरियन थे। ओके दूसरा होमो हैबिलिस के, अभी अभी बताया ना, अभी बताया, अभी बताया, जस्ट अभी बताया था। ओके होमोनाइड थे, होमोनाइड्स, यस बिल्कुल सही है। और ओके चलो ठीक है, एट फ्रूट, ओके नेक्स्ट, होमो इरेक्टस के बारे में बताइए, रिगार्डिंग द होमो इरेक्टस, ऐसा दिखता था कुछ, लुक लाइक दिस, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस पर्सन। ओके चलो ठीक है, वेल डन, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया। एंड हु इज दिस पर्सन, होमो नियंडरथल, इसके बारे में बताइए थोड़ा, अच्छा एनीथिंग, एनी एनी पॉइंट, जो भी याद है बता सकते हो। ओके गुड, बहुत सारे लोगों ने सही बताया, हाइड देमसेल्फ, एंड दिस वन मिलियंस, इसके बारे में जितना बताना आप बता सकते हो, इज योर मॉडर्न मैन। ओके लाइकवाइज, सो दिस इज व्हाट, यस हो गया हमारा इस तरीके से, ऑलमोस्ट सब कुछ हमने कवर कर दिया है, इवोल्यूशन ये देखो, ये कुछ इस प्रकार से, ये एनसेटिक डायग्राम है, जॉ है ना, जॉ के शेप बताए किसका किसकी तरह दिखता है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपैरिजन ऑफ, है ना, द स्कल ऑफ अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, एंड दूसरा बेबी चिपांजी का, तीसरा अडल्ट चिपांजी का, ये तीन ऐसा मतलब क्या दिया, मतलब कंपैरिजन किया गया है, कैसे दिखता है, कैसे दिखता है, क्या नहीं दिखता है, तो ऑलमोस्ट बेबी चिपांजी का और मॉडर्न मैन का क्या दिखता है, बहुत क्या दिखता है, सेम दिखता है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके सो द स्कल ऑफ बेबी चिपांजी इज मोर लाइक व्हाट, अडल्ट ह्यूमन स्कल देन अडल्ट चिपांजी स्कल, तो इन दोनों में ज्यादा सिमिलरिटी दिखती है, क्वेश्चन आ सकता है, नहीं इन दोनों के अंदर है ना, इन दोनों के अंदर उतना मतलब डिफरेंस नहीं दिख रहा है, मतलब इन दोनों के अंदर उतना सिमिलर, लेकिन इन दोनों के अंदर बहुत सिमिलर दिख रहा है, तो इनसाइड क्या लाइन है पता होना चाहिए, इससे बहुत आपको क्या आ सकती है, आइडिया मिल सकता है एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है। ओके दैट्स ऑल।
तो आई थिंक जस्ट 1 मिनट, तो हो गया, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा इवोल्यूशन। लाइकवाइज हमने एकदम सिस्टमेटिकली पूरा कवर कर दिया, मुझे नहीं लगता और ज़्यादा कुछ इससे बाहर का कुछ आएगा, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। ओके तो काम करते हैं, मैं एक बार क्विक रिकैप करता हूँ और हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैंने एमसीक्यू लाया, आई विल डू वन क्विक रिकैप एंड विल सॉल्व एमसीक्यू, थोड़ा इससे आइडिया आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर क्या है ना, चैप्टर लॉजिकल है और साइमल उसको रट्टा भी मारना पड़ता है, लॉजिकल भी है, दोनों है। एक बार रिकैप करता हूँ पूरा का पूरा चैप्टर, तो और क्लियर हो जाएगा सारा का सारा, एंड विल डू देन हम क्या करेंगे उसके बाद कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके सर पीडीएफ सेंड करो ना, अच्छा पीडीएफ सेंड करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसकी पीडीएफ डाले शायद से, इसके पीडीएफ नहीं डाले ना, ओके कोई दिक्कत नहीं, देखते देखते हाँ। ओके सो लेट स्टार्ट, सब लोग ध्यान दीजिए, जो जो पढ़ा था ये ऑलरेडी एनोटेड है। तो इवोल्यूशन क्या है, एक ऑर्डरली चेंज है, मैं थोड़ा स्पीड से बताऊंगा, सब लोग ध्यान दो, इवोल्यूशन क्या है, ऑर्डरली चेंज है दूसरा, एंड वन फ्रॉम वन टू अनदर। इवोल्यूशन बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ऑन अर्थ, ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हम जनरली बोल सकते हैं। चलिए एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं दूसरे चीज को। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे एंड हम देख रहे थे किस तरीके से ह्यूज एक्सप्लोजन हो गया और बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं उसको, ह्यूज एक्सप्लोजन से मतलब जो होना, यानी क्या बिग बैंग थ्योरी कब हुई थी, ये लगभग 20 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी ऐसा बोलते हैं, ह्यूज एक्सप्लोजन। उसके बाद क्या होगा धीरे धीरे से हमने डिस्कशन किया था, और धरती की निर्मिति 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी, आपको भूलना नहीं चाहिए। दूसरा चीज, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, जो प्राइमरी अर्थ थी, प्राइमरी जो समय देखेंगे तो उस समय अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर था क्या, कुछ में एटमॉस्फेयर नहीं था, ठीक है। ध्यान दो मैं जो बोल रहा, ध्यान दो इधर भी देखो, दोनों साइमल्टेनियसली देखो, एक बार आपको पूरा मतलब वन शॉट पूरा रिवीजन हो जाएगा, फिर एमसीक्यू सॉल्व करने में फायदा होगा और टॉपिक एकदम परफेक्ट बन जाएगा। जो भी करना अभी परफेक्टली करो, बाद में नहीं होगा। ओके चलिए, दूसरा उस समय क्या होते, धरती के जो आजू बाजू थे क्या क्या थे, वाटर वेपर्स थे, CH4 थे, CO2 था, NH3 था, ये सब चीजें उस समय क्या थी, प्रेजेंट थी, और इवन द मोल्टन मासेस थे उस समय के, है ना, देखिए। एंड चलिए फिर इसके बाद यूवी रेज ने क्या कर दिया, वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया H2 और O2 O में, है ना, ब्रेक डाउन करने के बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन कंबाइन कर दिया NH3 और CH4 के साथ और वाटर और CO2 फॉर्म कर दिया उसने। ओके उसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था, ओजोन लेयर का फॉर्म हो गया क्योंकि O2 स्प्लिट हो गया था, O2 वाज सेपरेट, O2 पूरा का पूरा सेपरेट हो गया था, इसलिए क्या हो गया, ओजोन का लेयर फॉर्म हो गया। ओजोन लेयर फॉर्म होने से क्या हो गया, धरती कूल हो गई, धरती कूल होने से क्या हो गया, वाटर का कंडेंसेशन हो गया, बारिश हो गई। अब ये क्या हो गया, लाइफ बारिश हो गया मतलब क्या बन गया, पूरा का पूरा ओशन बन गया। अगर पूरा का पूरा ओशन बन गया मतलब क्या बोल सकते हैं, लाइफ क्या हो गया, धरती के ऊपर लाइफ आ सकती है, पॉसिबिलिटी हम मतलब बता सकते हैं, कब, लगभग 4 बिलियन ईयर क्या हो गया, धरती के ऊपर लाइफ आ गया ऐसा बोलते हैं ना। अब क्या कर सकते हैं, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन्स है, मतलब थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस जो कि बिल्कुल फेल हो चुकी थी, दूसरी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, तीसरी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया जो कि एस्ट्रोनॉमर को बहुत पसंद आती है, और ये थ्योरी वैलिड है, ये भी थ्योरी मतलब अभी 19 बुक चलता रहता है, अभी तक वैलिड है या नहीं किसी को पता नहीं चला। थ्योरी ऑफ क्रिएशन, इसके बाद थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, एक एक करके देखते हैं। पहला थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, ये एक एक करके डील करते, उसके बाद देखा थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, तो बिल्कुल ये थ्योरी क्या थी, डेग डिकेइंग रॉड, रॉटिंग मैटर हो, स्ट्रॉ हो, मड हो, है ना, इन सब का कॉम्बिनेशन से क्या होते हैं, लाइफ क्रिएट होते हैं, ऐसा उनका कहना था। दैट वाज द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, अबायोजेनेसिस। ओके चलिए, एरिस्टोटल का कहना था, ऐसा ऐसा बोला जाता है। ओके आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट इसको डील करेंगे फटाक से। लुईस फाशर ने थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव कर दिया एंड क्या कर दिया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एक था स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब क्या, किस तरीके से लाइफ बनती है, समझ में आ रहा है, एक है नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जनरेशन है। चलिए सो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन उसको बोलते हैं अबायोजेनेसिस। तो थ्योरी ऑफ मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब लाइफ ऑटोमेटिकली क्रिएट होना, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, लाइफ का ऑटोमेटिकली क्रिएट होना, दैट इज थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस बोलते हैं। लुईस पाश्चर ने डिस्प्रूव कर दिया था, कैसे किया था मैंने बताया था, स्वैन नेक का एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था उस दिन, किस तरीके से ब्रॉथ कोर ने स्टरलाइज किया था, स्टरलाइज करने के बाद देखा कि उसके अंदर स्वैन नेक उसका बनाया था नेक स्वैन की तरह, और उस समय उसके अंदर ग्रोथ नहीं मिली थी, तो उन्होंने बोला कि देखो लाइफ किसी डेड डिकेइंग मैटर से नहीं आती, उसको लाइफ कम कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पुराने वाले लाइफ से आती है, इसका उनका कंक्लूजन था, यहाँ पे बोला गया है ना, शोड दैट लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम द किल्ड ईस्ट, है ना। चलिए उसके बाद ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस 3 साइंटिस्ट ने क्रिएट किए थे, इन्होंने 4 ऐसा बोल सकते हो। थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी मतलब कुछ तो ऊपर से क्या आ गया, मेटेरॉइड आ गया, मेटेरॉइड के अंदर स्पोर थे, स्पोर धरती के ऊपर गिर गए, और गिरने के बाद क्या हो गया, उससे क्या बन गया, उससे प्लांट बन गया, ऐसा थ्योरी था, ठीक है। सो इट इज स्टेट दैट नॉन लिविंग क्रिएटेड
बाय द अभी देखिए थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, नॉन लिविंग कैसे आ गए, मतलब जितने सारे लिविंग थिंग कैसे आ गए, स्पेशल क्रिएशन ऑटोमेटिकली आ गए, ऐसा बोलते हैं. दिस इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. ओके, भगवान ने क्रिएट किया ऐसा बोला जाता है इसके अंदर. देन ओपेरन एंड हेल्डन ने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है. क्या बताया? स्टेटेड दैट द फर्स्ट लाइफ वॉज फॉर्म, ओरिजिनेट फॉर्म किससे हो गए? नॉन लिविंग थिंग से बने. लेकिन कैसे बने? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन होकर बने. अब ये मत बोलना कि ओपेरन एंड हेल्डन क्या, इन दोनों ने क्या बताया, इन दोनों ने भी तो अबायोजेनेसिस बताया नहीं. व्हाट इज अबायोजेनेसिस थ्योरी? उन्होंने खाली मर्डर स्ट्रॉ बोला था, लेकिन उन्होंने सिस्टमैटिकली बताया. क्या बताया? कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक चीजों का कॉम्बिनेशन होकर क्या होता है, लाइफ क्रिएट होती है. ये किसने बताया था? ओपेरन एंड हेल्डन ने बताया था. तो अबायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस, मतलब अबायोजेनेसिस हुआ, अभी अबायोजेनेसिस मतलब दिख तो रहा है अबायोजेनेसिस की तरह, मतलब नॉन लिविंग थिंग से क्या बन रहा है, लाइफ बन रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन क्या बायोजेनेसिस एवर सिंस, मतलब लेकिन ये बायोजेनेसिस ऐसा बोलते हैं. अब क्या बोलना चाहते हैं देखते हैं. ओके, ये दो लोग थे ओपेरन और हेल्डन जिन्होंने बताया कि देखो ऐसे मॉलिक्यूल बहुत सारे एक साथ इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर क्या हो गया, कोएसर्वेट क्रिएट हो गए, ऐसा उन्होंने बोला था. दैट वाज उनका वो थ्योरी था. ओके, तो ये थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन था. अभी जो देखा हमने, क्या देखा था? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इन दोनों ने बताया था, ओपेरन हेल्डन ने. लेकिन थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव किसने कर दिया? ये प्रूव उन्होंने किया था. किसने? उरे एंड मिलर ने प्रूव किया था. उन्होंने थ्योरी बताई थी, उन्होंने प्रूव कर दिया. अब कैसे प्रूव कर दिया? देखा स्टैनले मिलर एंड हेरोल्ड उरे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था केमिकल इवोल्यूशन को, है ना. इन्होंने बोला एक्सपेरिमेंटल प्रूव द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, बताया उन्होंने था, उन्होंने प्रूव कर दिया. आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है. अब उन्होंने बोला धरती का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, हाई टेम्परेचर था, वाटर वेपर्स थे और CH4, NH3, H2O, H2O, ये सब प्रेजेंट थे उस समय एटमॉस्फेयर में बोले. तो उन्होंने ऐसा एक क्या बनाया, मशीन बनाया, है ना, मशीन मतलब एक इक्विपमेंट बनाया और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर उन्होंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया. अब देखते उन्होंने क्या किया, देखते करके सो व्हाट एग्जैक्टली दे डन. तो उसके बाद ये इक्विपमेंट को भूलना नहीं चाहिए. अच्छा, और उस इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या था जरा देखिए. मैं इक्विपमेंट था, ये वाला इक्विपमेंट था, इसके अंदर क्या क्या था, बाय डिफॉल्ट मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन उस दिन मैं बोल रहा था आपको, अभी बोल ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं. मैं बोला था कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, इसको याद रखना. मैं बोला इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही क्वेश्चन आता है नीट के अंदर बाय डिफॉल्ट. पता नहीं कैसे कल ही वो क्वेश्चन आ गया नीट के अंदर, कल मतलब क्या परसों के एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन आ गया था. तो बड़ी बात नहीं है, मतलब आते रहते ऐसे क्वेश्चन, लेकिन आ गया बाय डिफॉल्ट, बोल दिया आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, भगवान जाने. ओके चलिए, इसके अंदर क्या क्या था, मैंने एक आपको क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, क्या क्या था उसके अंदर. तो उन्होंने CH4, NH3, H2 एंड वाटर वेपर्स, और टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, इस तरीके से बोल सकते हैं. एंड फिर जब ये कूला का पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट होने के बाद अल्टीमेटली उनको क्या मिला, इधर क्या मिला उनको, पहले उनको मिले अमाइनो एसिड. जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्या मिला उनको, अमाइनो एसिड मिले. जब ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया गया, बार बार करने के बाद क्या मिला उनको, है ना, शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स, फैट. लेकिन न्यूक्लिक एसिड बना क्या, नहीं बना. प्रोटीन बना क्या, नहीं बना. मतलब लिपिड बने क्या, बड़े बड़े लिपिड तो नहीं थे यहाँ पे, शुगर्स बने इतना बोला. लेकिन ऐसा कार्बोहाइड्रेट मतलब ऐसा पॉली मतलब क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर्स नहीं बने, इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हो, पॉलीमर्स नहीं बने, मोनोमर्स बने, डिफरेंट मोनोमर्स बने, है ना. अमाइनो एसिड क्या, मोनोमर है, लेकिन प्रोटीन क्या है, पॉलीमर, वो नहीं बना. नाइट्रोजन बेसिस है, दे आर मोनोमर, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, मोनोमर है. लेकिन पॉलीमर वगैरह कुछ यहाँ पे बना क्या, बिल्कुल भी नहीं बना. बट बोला कि देखो यार, अगर ऐसा चीज क्रिएट करने के बाद अगर ये चीजें क्रिएट हो रही है, तो उन्होंने बोला धरती पर उस समय डेफिनेटली टेम्परेचर बहुत हाई होगा, इलेक्ट्रिकल स्पार्क हुआ होगा, लाइटनिंग हुई होगी, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ऐसे मोनोमर क्रिएट हुए होंगे. फिर ओपेरन हेल्डन जिन्होंने जो बताया था, स्लाइड थोड़ा बहुत स्लो चलती है, स्लो मतलब बहुत कंटेंट इसलिए ऐसा होता है, ठीक है. जो ओपेरन हेल्डन बताया था ना, ओपेरन हेल्डन की थ्योरी क्या थी, उन्होंने बोला कि देखो ये जो बोल रहे कि सही में ऐसा केमिकल इकट्ठा हो, ऐसे मोनोमर बने होंगे, फिर ये पॉलीमर बना होगा, देखिए ऐसे मोनोमर बने होंगे बहुत सारे, पहले मोनोमर बने होंगे, ये मोनोमर बन गए बहुत सारे, फिर पॉलीमर बन गया, फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, कोएसर्वेट क्रिएट हो गए, फिर ये इनके आसपास डिवीजन की एबिलिटी आ गई, और धीरे धीरे से जो मैंने बताया था उस समय, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हुआ होगा. तो तो इस तरीके से थ्योरी उन्होंने बता दी. That's all. तो फिर उनको क्या कर दिया, उरे एंड मुलर को क्या कर दिया उन्होंने, नोबेल प्राइज मिल गया, तो मिलने वाला था. आगे चलते हैं.
तो ये रहा आपका मतलब उस दिन बताया था कि फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म कब आए थे, 3 बिलियन ईयर आए थे, उस समय की बात कर रहे, उस समय ये आए थे, ये सब चीजें याद हो जाती है, आप चिंता मत करो। देवर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद का रेप्लिकेशन खुद करते थे, कंटेनिंग मैक्रो मॉलिक्यूल लाइक आरएनए, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन ईटीसी। यहाँ पे क्या बोला है, आरएनए बोला है, यानी ये क्या प्रूव कर रहा है, आरएनए वर्ल्ड को प्रूव कर रहा है। यहाँ एनसीईआरटी के अंदर इनडायरेक्टली है, पूरा क्लियर नहीं, आरएनए पहले आरएनए था, बिकॉज आरएनए था मतलब क्या बोल सकते हैं, दे आर इंडिकेटिंग व्हाट, फर्स्ट प्रिमिटिव, जब धरती के ऊपर पहला सेल क्रिएट हुआ था उसके अंदर क्या था, आरएनए था, आरएनए वर्ल्ड एग्जिस्ट करता था। लेकिन धीरे धीरे से क्या हो गया, आरएनए का कन्वर्जन किसमें हो गया, डीएनए में हो गया। कैसे हो गया, क्या हो गया, मैंने बता दिया था आपको, पता है पूरा का पूरा। ओके चलिए, उसके बाद एविडेंसेस देखते हैं फटाफट, ये तो याद हो जाएगा। और अब मैं क्या बोलूं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, जो हमने प्रिडिक्शन किया था वही क्वेश्चन आया था, बट छोड़ दो ठीक है, मैं ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको बाद में बताता हूं। ओके, सो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस है, इसको एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं, बायोकेमिकल एविडेंसेस है, एंड एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस है, और एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन। खाली इसके एग्जांपल याद रखना, और कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल कंसेप्ट क्लियर। पैलेंटोलॉजिकल स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पता है कि फॉसिल्स आर द रेमिनेंट फाउंड इन द रॉक्स। रेमिनेंट मतलब क्या बोल सकते हैं, बचा वाला पार्ट, खाने के बाद जो बचता है उसको रेमिनेंट बोलते हैं, वैसे मरने के बाद जो बचेगा वो रेमिनेंट बोलते हैं। कहाँ मिलते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर मिलते, पता होना चाहिए। फॉसिल्स रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द इवोल्यूशन, अगर ऐसा ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो मैं बोला था ऐसा स्टेटमेंट कभी कभी पूछते, पता होना चाहिए हमें। ओके, उसके बाद देखिए फॉसिल्स इस प्रकार से दिखते थे, ये हमने देखा था, और ये डायग्राम से, ये तो बहुत आपको पता ही होगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। और उसके बाद कुछ कुछ इवोल्यूशन बहुत ब्यूटीफुल है बोलते हैं, जैसे घोड़े का इवोल्यूशन, पता नहीं कभी क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन ये दिया है किसके अंदर, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे मतलब बता रहा हूँ। ओके, फाइलोजेनिक इवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ द हॉर्स इवोल्यूशन हो, हाथी का इवोल्यूशन हो, बहुत फेमस है, ये नाम मिलेगा आपको, ये है ना, हिप्पस, मेसोहिप्पस, मेरिस्टिपस, पेलियोपस, मॉडर्न हॉर्स, दिस दैट। ओके, अब उसके बाद देखते हैं स्टडी ऑफ, अभी पैलेंटोलॉजिकल स्टडी करने से क्या क्या फायदा होता है। पहले हमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिलती है रेसेस की, समझ ना, रेसेस की क्या मिलती है, रेस मतलब क्या बोलते हैं, इतिहास बोल सकते हैं, रेस का मतलब इतिहास, किसी स्पीसीज का इतिहास मतलब रेस, मतलब ह्यूमन बनते समय, उस समय जो भी होमो इरेक्टस आ गया है ना, होमो हैबिलिस आ गया, नीएंडरथल मैन आ गया, जितना सारा रामापिथेकस, ऑस्ट्रलोपिथेकस, ये जब सब आ गया ना, ये सारे के सारे लोग, ये क्या है, ये रेस है, इसको रेस बोलते हैं, इट्स अ रेस ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, यानी मानवी क्या बोल सकते हैं, मानवी प्रजाति का इतिहास है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये से हमें पता चलता है, रेसेस पता चलते हैं, कनेक्टिंग लिंक भी मिलते हैं कई बार हमें फॉसिल्स में, है ना, जैसे कि आर्चियोपटेरिक्स फॉसिल्स के अंदर ही मिला था, है ना। और फिर देखो उसके पास दांत थे, ये थे, मैं बता रहा था ना, ये किस तरीके से दिखता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर पूछेगा नहीं पूछेगा बात की बात है, लेकिन अब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उस समय मिलेगा, जैसे जीआरबी सॉल्व कर रहे हो, डॉक्टर वाली सॉल्व कर रहे हो, कोई इधर उधर की उठा के बुक सॉल्व कर रहे, तो या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मिलेगा तो आपको काम में आएगा, बस इसलिए मैंने यहाँ पे चिपका दिया, आपको पता होना चाहिए। ओके चलिए, उसके बाद देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, देखिए द स्टडी ऑफ फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, अच्छा ये तो हो गया। ओके, एक्सटिंक्ट एनिमल्स भी मिलते हैं कई बार फॉसिल्स में, जैसे डायनासोर, खुदाई करते डायनासोर मिल गया, ऐसा दिखता है डायनासोर। ओके, उसके बाद और क्या मिलता है देखते हैं, जस्ट मिनट, ओके, जियोलॉजिकल पीरियड भी मिलता है ना, जैसे अगर हम क्या करेंगे, पहला सेडिमेंटरी रॉक खोल दिया तो पता चलता है, पता मतलब जितना ज्यादा सेडिमेंटेशन नीचे उतना ज्यादा क्या हो सकता है, उतना पुराना फॉसिल्स, तो पता चलता है कि उस जियोलॉजिकल पीरियड में कौन से एनिमल एग्जिस्ट करते थे। तो एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी के अंदर कि क्या है, इवोल्यूशन है ना, इवोल्यूशन दोनों चीजों को शो करता है कि धरती का मतलब धरती कैसे बनी और लाइफ कैसे आ गई, ये दोनों पैरेलल चीज है, ऐसा बोला एक जगह पे, आपको एनसीईआरटी के अंदर स्टेटमेंट मिलेगा यहाँ पे मैं। ओके, लाइक दैट, यहाँ पे हमने देखा था उस दिन, अब चलिए फटाफट देखते हैं। ओके, फिर आते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, है ना, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शोस दैट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनिमल हैव द सेम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स, दे एक्सप्लेन एज फॉलोस, होमोलॉगस ऑर्गन, तो देख सकते हैं एनालॉगस ऑर्गन, ये दो चीजें हमने देखी थी। उसके बाद देखते हैं पहला क्या देख सकते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन मतलब दे आर ऑर्गन हैविंग द फंडामेंटल सिमिलरिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, याद रखो कई बार स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, कई बार सॉरी ओके, सो फंडामेंटल सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, बट डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलने का, होमोलॉगस बोलने का, और दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज होमोलॉगी बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, एंड इसके एग्जाम्पल याद रखना अच्छे से, ह्यूमन हैंड, वेल का फ्लिपर, बैट का विंग, चीता का फुट, पता होना चाहिए। इवन दो द फंक्शन ऑफ सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सच एज
ह्यूमन ह्यूमरस रेडियस उल्ना कार्पस ये सब क्या दिखते हैं हमें दिख सकते हैं। ओके चलिए ये हो गया आपका एंड लेट्स गो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चीज को हम डील कर सकते हैं होमोलॉजी इन प्लांट थ्रोन्स एंड टेंडल्स। इसके अंदर मिलता है बोगनवेलिया कुकुरबिटा के अंदर मिलता है, आपको पता होना चाहिए, ये हमने देखा था और ये स्ट्रक्चर हमने अच्छे से पढ़ा था। अब इसके बारे में डिटेल भी नहीं बताऊंगा किस तरीके से एक्सिलरी वर्ड उनका सेम ओरिजिन है लेकिन फंक्शन क्या है दोनों का अलग अलग है। ओरिजिन ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन इज कॉल्ड एज डायवर्जेंट इवोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं डायवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं क्योंकि ओरिजिन सेम है बट फंक्शन क्या हो रहा है अलग अलग हो रहे हैं इसलिए डायवर्जेंट इवोल्यूशन इज इवोल्यूशन बाय विच द रिलेटेड स्पीसीज बिकम लेस सिमिलर टू सर्वाइव एंड अडॉप्ट डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन। अब रिलेटेड स्पीसीज है ना, रिलेटेड स्पीसीज जब क्या होते हैं अपने बॉडी पार्ट को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको डायवर्जेंट बोलते हैं। एक एक वर्ड को याद रखना यहाँ पे बताया गया पता होना चाहिए। चलिए एंड एनालॉगस जैसे मैं दो तीन बार बताया था यही क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जानबूझ कर छोड़ देखिए क्योंकि मेरा मन कर रहा है क्योंकि हमने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया क्वेश्चन एनालॉगस के ऊपर क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन आया था पेंगुइन फ्लिपर एंड व्हाट वी कैन से दिस इज व्हाट योर डॉल्फिन डॉल्फिन का जो ये फिन्स है ये दोनों क्या शो करते हैं एनालॉगस ऑर्गन शो करते हैं। यहाँ आया था क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट कोई दिक्कत नहीं। एनालॉगस ऑर्गन मतलब द ऑर्गन हैविंग सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन दिस फेनोमेन इज कॉल्ड एज उसको बोलते हैं एनालॉजी बोलते हैं उसको एनालॉजी बोलते हैं। उसके बाद देख सकते हैं एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ द इंसेक्ट फॉर्म थिन फॉर्म ऑफ ये क्या काइटिन से बनते हैं। विंग्स ऑफ बर्ड किससे बनते हैं फोर लिम्ब से बनते हैं फोर लिम्ब आगे वाले हाथ बोल सकते हैं ना इससे बनते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल देखे थे हमने आपने रट्टा मार दिया होगा कोई दिक्कत नहीं काम में आएगा पक्का। अब देखते हैं एग्जाम्पल रेटिन आई ऑफ ऑक्टोपस ऑक्टोपस का आई किससे बनता है स्किन से बनता है। मैमल का आई किससे बनता है एम्ब्रियोनिक ब्रेन एम्ब्रियोनिक ब्रेन मतलब क्या बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखे ना यहाँ पे कनेक्शन आप देख सकते हैं ब्रेन एंड ऑल दिस उसका कनेक्शन देख सकते हैं दे आर वेरी रिलेटेड तो न्यूरॉन्स एंड ये सब चीजें रहती है उससे बनता है लेकिन इसका खाली स्किन से बनता है अजीब चीज है ना एग्जैक्टली सेम दिखता है कमाल की बात है बहुत डिफरेंट बट दोनों का क्या हो रहा है स्ट्रक्चर सेम बन रहा है ना। एग्जाम्पल फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन अब ये आया था अगले साल कुछ अब ये तो अगले साल तो नहीं आएगा कैंसिल हो गया। ओके ये एग्जाम्पल याद रखना और चलिए आगे की तरफ चलते दूसरा एंड स्वीट पोटैटो पोटैटो ये आएगा पता नहीं क्या होगा भगवान जाने। ओके लेकिन इस होमोलॉगस के ऊपर आएगा अगले साल क्वेश्चन पक्का एनालॉगस के ऊपर नहीं आएगा। एग्जाम्पल ट्रैकी ऑफ इंसेक्ट एंड लंग्स ऑफ द वर्टिब्रेट ए क्या है एक्टोडर्मल ओरिजिन है एंडोडर्मल ओरिजिन है लेकिन दोनों का काम सेम है दोनों का काम सेम है बता रहा था मैंने बताया था मैंने। उसके बाद देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ एनालॉगस ओरिजिन इनटू कन्वर ये क्या है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है यहाँ पे लिखा था ना ओरिजिन सबका अलग अलग है लेकिन फंक्शन सबका क्या हो रहा है सेम हो रहा है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज इवोल्यूशन बाय विच द अनरिलेटेड स्पीसीज वहां पे क्या था रिलेटेड स्पीसीज यहाँ पे क्या है अनरिलेटेड स्पीसीज है ना। अब अगर बोलेंगे होमोलॉगस के अंदर क्या रिलेटेड स्पीसीज का रिलेटेड स्पीसीज है लेकिन फंक्शन क्या है डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे अनरिलेटेड स्पीसीज है लेकिन फंक्शन क्या हो रहा है सेम हो रहा है। But what about the parallel evolution? Can you tell me regarding the parallel evolution? कौन बताएगा? Parallel evolution क्या है? किसी को पता नहीं। Example with example कौन बताएगा देखते हैं। और आपने बहुत बार क्वेश्चन भी किया था। हाँ very nice किसी ने बता दिया। और मैंने बोला था parallel evolution में आप गड़बड़ खाओगे। मैंने बोला था ध्यान दो ये सब बहुत इसमें confusion होता है। मैंने clear भी किया था exactly क्या है? नहीं किसी को पता नहीं है। बोला था कि स्टार मार्क करके दिखाता है देखो यार ये बहुत जरूरी है एक व्यक्ति ने बता दिया अभी तक बाकी लोग नहीं बता रहे। व्हाट एग्जैक्टली पैरेलल इवोल्यूशन नहीं पता। रिलेटेड स्पीसीज में जब क्या होता है सेम चीज दिखता है सेम चीज फिश 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 क्या रिलेटेड स्पीसीज है लेकिन उनके पास क्या दिखता है या फिर मान लो यस हाँ हाँ यस 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 कैट एंड लॉयन बोल सकते हैं कैट एंड लॉयन दोनों के क्या है पैर ना दोनों चलते हैं दौड़ते हैं दोनों का मतलब बिहेवियर दोनों का क्या दिखता है सेम ही दिखता है यस यस बोल सकते हैं। चलो आगे की तरफ चलते हैं अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ओके सो बायोकेमिकल इवोल्यूशन बोल सकते हैं तो बायोकेमिकल इवोल्यूशन बायोकेमिकल एविडेंस सॉरी दिस इज नॉट इवोल्यूशन एक एविडेंस है कि किस तरीके से क्योंकि हम देख सकते हैं सबका प्रोटीन सबके अंदर प्रोटीन जीन बायोमोलिक्यूल सबके अंदर सब कुछ मेटाबोलिज्म क्या दिखता है सेम ही दिखता है इसका मतलब क्या बोल सकते हैं इसका मतलब हम सबका ओरिजिन क्या है एक ही है ऐसा बोल सकते हो। ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं आगे की तरफ चलते हैं। अडैप्टिव रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे थे क्या बोल रहे थे अडैप्टिव रेडिएशन इज व्हाट रेडिएशन मतलब क्या बोल सकते हैं इवोल्यूशन और अडैप्टेशन दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया स्ट्रेंजिंग फ्रॉम अ पॉइंट। इनके अंदर क्या बनते हैं
डिफरेंट डिफरेंट क्या बनते हैं, स्पीसीज बनते हैं, है ना, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट। ये चीज याद रखो, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे एक चीज बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, डिफरेंट स्पीसीज बन रहे हैं, व्हाट, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट स्पीसीज बन रहे, कहाँ गया, डिफरेंट स्पीसीज बनते हैं यहाँ पे, एक चीज याद रखो, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज बनते हैं, डिफरेंट स्पीसीज इसके अंदर, एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर। पॉइंट तो एक ही है तो फिंचेस ही, लेकिन फिंचेस के अंदर भी क्या हो रहा है, वैरायटीज मिल रहा है, स्पीसीज बनते हैं अलग अलग। बट क्या बोल सकते हैं, वहां पे क्या हो रहा था, फंक्शन ही कंप्लीटली चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे उतना फंक्शन चेंज हो रहा क्या, नहीं हो रहा है। ओके, सो डार्विन के फिंचेस इज एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बाय द अडैप्टेशन। ओके, चलते आगे चलते, उसका बाद देख लेते हैं दूसरा अडैप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल क्या देख सकते हैं, मार्सुपियल्स, ये सारे के सारे चीजें एग्जांपल, पूरे के पूरे नाम याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे आज के एग्जाम के अंदर, नाम अच्छे से याद रखना। ओके, उसका देख रहे थे प्लासेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये भी एग्जाम्पल देख सकते हैं इनके अंदर किस तरीके से ये हुआ था। ओके, नेक्स्ट चीज को हम डील करेंगे, when what more than one adaptive radiations appeared in isolated geographical area, usko kya bolte hum, convergent evolution, kya bolte usko, convergent evolution, to australian marsupials and placental marsupials, to dekhiye yahan pe dekh sakte hain, yahan pe kya bol raha hai, to ye kya, this is the example of what, convergent evolution bol sakte hain, okay, ya fir adaptive convergence bhi bol sakte hain, adaptive convergence bhi bol sakte hain usko, it is called as the adaptive convergent also। तो देखो यहाँ पे देख रहे थे हम किस तरीके से दोनों के अंदर ये अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों का फंक्शन, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, ये प्लासेंटल मैमल है या ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से, लेकिन दोनों के दोनों सेम हैबिटेट के अंदर रह रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, दोनों के अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज दिख रही है, दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, सो एमरोलॉजिकल एविडेंसेस किसने प्रपोज किए थे पता होना चाहिए, अर्नेस्ट हैकल ने बताए थे, इनका नाम भूलना मत, हम देख रहे थे किस तरीके से अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज सबकी सेम दिखती है, एग्जाम्पल दिया है कि गिल्स जो कि ह्यूमन के अंदर भी दिखते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कई कबार आ जाते हैं, उसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है, उसका कुछ काम नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, सो कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर उसने ये क्या किया था, रिजेक्ट किया था, ही नोटेड दैट एम्ब्रियो नेवर पासेस थ्रू दैट अडल्ट स्टेज ऑफ द अदर एनिमल, ऐसा उन्होंने बोला था। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, नेचुरल सिलेक्शन दूसरा है, एविडेंस ऑफ फॉर इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन भी क्या है, तगड़ा एविडेंस है किसके लिए, इवोल्यूशन करने के लिए, मतलब आप समझ सकते हो कि इवोल्यूशन के एविडेंसेस बताए जा रहे हैं कि ऐसा होता है इवोल्यूशन के लिए। ओके, तो ये याद रखना आपका दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंट वराइटीज इन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक ड्रग, ये भी बताया था मैंने कैसे होता था। ओके, एंड देयर आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय, इट इज कॉल्ड एज द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन इवोल्यूशन, और ये मैं बोला था, ये मैं बताया था कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोजेनिक, मैं बार बार बताता था और बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर इस साल क्वेश्चन आ गया था, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन के एग्जांपल पूछा था और ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आया था, ये अब देख लेना पेपर के अंदर। ओके, सेम मैं बोलता था कि ये बहुत एंथ्रोपोजेनिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार हो जाता है ऐसा और क्वेश्चन आ जाता है। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट गो अहेड, तो ये बिस्टन पहले इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या बोल सकते हैं उसको, जब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज नहीं थे 1850s में, उस समय की अगर बात करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, हाँ अच्छा, ओके चलो ठीक है, आगे चलते हम क्या बोलते थे, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में बोल रहे थे कि इंडस्ट्री बनी नहीं थी, तो उस समय क्या था, कौन सी स्पीसीज ज्यादा थी पता होना चाहिए, बिस्टन बिटुलारिया जो कि व्हाइट कलर की थी, और जब इंडस्ट्रीज बने तो क्या हो गया कि लाइकेंस का पेड़ के ऊपर उगना कम हो गया, तो क्या हो गया, वेस्टर्न कार्बोनेरिया का मतलब नंबर बढ़ गया, मैं ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमने देखा था, ये बहुत अच्छे से समझा था उसको। ओके, रीजन ये सब हमने देखा था, लाइकेंस का बढ़ना घटना वी नो वेरी वेल, अच्छे से हमने देखा था उसको। ओके, उसके बाद देखते हैं व्हाट आर द थ्योरी ऑफ लैमार्किज्म, लैमार्किज्म की थ्योरी देखी थी हमने कि क्या बोलता है, एक्वायर्ड, देखो ये थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कहना का क्या बोलता है, ये ऐसा वर्ड क्यों दिया, कौन बताएगा, Why this word is mentioned here? ये बहुत important है। Lamarck की theory को, sorry, ये पेन अच्छा। Lamarck को theory को क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो। Lamarckism बोलते हैं और क्या बोलते हैं? और theory of inheritance of acquired character। ये ऐसा क्यों बोला है? ऐसा क्यों बोला है यहाँ पे? अगर ये इसका जवाब दोगे तो मैं समझ लूँगा आपको Lamarckism समझ में आया।
क्यों थोड़ा सोच को इसको सोच के बताओ। यस प्लीज, बहुत सिंपल चीज है और बता दो इसको आप। अरे बोलो व्हाई थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ऐसा क्यों बोले? हाँ नहीं भेज पानी में, क्योंकि उसको जो प्रोजेनी है वो अडाप्टेशन ना है। ना है, ना है, ना है, ऐसा नहीं। द कैरेक्टर विच ऑर्गेनिज्म एक्वायर इन लाइफ टाइम पास। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला है। ऐसा क्यों बोला है? देखो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब ये बोल रहा है कि जो कैरेक्टर एक्वायर्ड कर रहा है, जैसे कि मान लो जिराफ ने अपना नेक बड़ा कर दिया। जिराफ ने क्या कर दिया? अपना नेक बड़ा कर दिया। तो बड़ा कर दिया तो क्या कर रहे हैं? तो थोड़ा सा बड़ा कर दिया होगा। तो ये क्या हो गया? ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम है ना, एक्वायर्ड कैरेक्टर। कैसा था? एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर क्या होता है बोलता था? ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या होता है, इनहेरिट किया जाता है, इनहेरिट किया जाता है, ऐसा बोलता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, जरा ध्यान दो, कोई पर्सन है वो कोई पर्सन बहुत पतला था शुरुआत में, पतला था, बाद में क्या होगा? मोटा हो गया, भयंकर क्या होगा? मोटा हो गया। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर है। तो क्या उसका बच्चा भी एकदम बचपन के समय से मोटा बनेगा? ये उसका छोटा बच्चा है, बच्चा मोटा बन सकता है क्या? इट इज कंप्लीटली, इसका मतलब इसने जो इनहेरिटेंस एक्वायर्ड किया था, जो कैरेक्टर एक्वायर्ड किया था, वो कैरेक्टर क्या होता है? इनहेरिट होता है। ऐसा कौन बोलते थे? लैमार्क बोलते थे। जरा बात को सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। लैमार्क कुछ इस तरीके से बोलते थे, गलती देखो लैमार्क की क्या थी। वो बोलते कि जिस बंदे ने जो कैरेक्टर इनहेरिट किया है, जो मोटा बना है ना, मोटा, वो मोटा वो उसके बच्चे के अंदर भी क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ऐसा कौन बोलते थे? ये लैमार्क बोलते थे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये बोलते थे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ये थ्योरी गलत थी, सही थी? थ्योरी गलत थी, सही थी? अब बोलो क्या थी? मैं बताया था बिल्कुल गलत थी। अच्छा कुछ बाकी बोलना नहीं चाहते, कमेंट ही नहीं करना चाहते, गलत थ्योरी थी पूरी की पूरी। और छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा है बाकी लोग प्रेजेंट है या नहीं है। कितने लोग प्रेजेंट है क्लास के अंदर? 24 में से कोई कमेंट कर ही नहीं रहा है। कहाँ कमेंट कर रहे हैं आप लोग? वी ऐसे होस्ट को कर रहे हो क्या? आप होस्ट एकेडमी करने, विद्यासरिता एकेडमी करने ना, विद्यासरिता एकेडमी पे करो आप सब लोग कमेंट अगर करना है तो। कोई है या नहीं है पता नहीं, छोड़ दो। एक दो लोग प्रेजेंट है, बाकी एब्सेंट है सारी। ओके चलो, अब उसके बाद देखते हैं। दिख रहे हैं आप? तीन, दो तीन लोगों का कमेंट दिख रहा है, बाकी लोग कमेंट दिख ही नहीं रहे। आपको को होस्ट, को होस्ट पे मत भेजो, को होस्ट पे मत भेजो आप लोग। आप विद्या सरिता अकेडमी पे भेजो, विद्या सरिता अकेडमी है ना, होस्ट को भेजो, होस्ट को। नहीं नहीं हाँ, मैं बोला ऐसे कैसे हो गया, दो ही लोग बातें कर रहे क्लास के अंदर, 24 का स्ट्रेंथ है पूरा। ओके नो प्रॉब्लम, चलिए। ओके सो ये थी आपकी थ्योरी ऑफ लैमार्किज्म। डार्विन की थ्योरी क्या थी? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन क्या बोलते थे? डार्विन बोलते थे कि नहीं, पहले से एग्जिस्ट करता है। पहले से क्या एग्जिस्ट करता था? पहले से ही वेरिएशन एग्जिस्ट करता है, उसमें से क्या होता है, कुछ चीजें सेलेक्ट की जाती है। और आपके ह्यूगो डेविस ने बताया कि भैया वेरिएशन पहले से एग्जिस्ट कैसे करता है? आपने किसने बताया? ह्यूगो डेविस ने बताया। बहुत ब्यूटीफुल है, लॉजिक है, ऐसा नहीं इवोल्यूशन के अंदर। ये बोलते थे कि एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे, ऐसा कैरेक्टर क्या होते है? पास होता है, ऐसा बोलते थे। ये आपके लैमार्क बोलते थे। लेकिन डार्विन बोलते नहीं, ऐसा नहीं, दो स्पीसीज पहले से एग्जिस्ट करते थे नेचर के अंदर। लेकिन डार्विन ये बताने में फेल हो गया कि दो स्पीसीज कैसे एग्जिस्ट करते थे। किसने बताया? आपके आपके ह्यूगो डेविस ने बताया। चलिए ठीक है, आगे चलते फटाफट देखते। सो इट इज प्रपोज बाय द लैमार्किज्म। लैमार्किज्म का था देखते। इट इज स्टेट दैट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम ऑकर्ड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर लेते लेते क्या हो गया, लाइफ क्रिएट होगी, ऐसा वो बता रहे थे। ओके चलो आगे चलते, नेक्स्ट चीज को हम डील करेंगे फटाक से। What they are saying, acquired characters are developed by the use and disuse of organ. बोलते थे कि organ का जितना ज्यादा use करोगे उतना organ develop होगा, नहीं करोगे उतना vestigial होगा, ऐसा Lamarck कहते थे। Okay, चलिए एक तरीके से Lamarck का एक theory सही है ऐसा बोलते। कौन सा वाला? ये वाला disuse, अगर किसी चीज को use नहीं किया तो organ चला जाएगा, ऐसा कई बार ऐसा बोलते थे Lamarck एक तरीके से, but most of time it is fail only. Okay, तो पहला use करने वाला चीज था, किसका example था? जीराफ का। disuse का example क्या है आपका? लिम्स। बोलते थे कि सांप, देखो ये पहला यूज करेंगे तो बढ़ेगा, और पहले सांप को हाथ पैर थे ऐसा बोलते थे, लेकिन सांप को हाथ पैर अभी नहीं रहे,
क्योंकि सांप ने यूज करना बंद कर दिया, खाने के लिए मुंह का इस्तेमाल करता था, इसलिए चला गया, ऐसा बोलते हैं। सो दिस थियरी इज इलिमिनेटेड बिकॉज क्या, इट इज प्रूव दैट द कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड ओनली थ्रू द जीन्स। कैरेक्टर कैसे होते हैं, जीन्स के थ्रू क्या करते, इनहेरिट किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि मोटा हो गया तो उसका बच्चा ही मोटा होगा, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। चलिए एंड देखते हैं थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, दूसरी थ्योरी, व्हाट ही इज सेइंग। ओके, फटाक से डार्विनिज्म क्या था देखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, डार्विनिज्म किसके ऊपर बेसिस था, वो जो HMS बीगल शिप के ऊपर जा रहे थे, उस शिप के ऊपर जब जा रहे थे तो उस समय शिप के ऊपर जो जो मतलब जो जो जाते समय जो जो ऑब्जर्वेशन किया उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या किया था, थ्योरी बताया था। ओके, मलाय आर्चिपेलागो पर वर्क किया था, ये उनकी शिप थी। और अल्फ्रेड वालेस ने कहां वर्क किया था, कोई बता सकता है? अल्फ्रेड वालेस ने कहां वर्क किया था, कौन सा, सॉरी, ये गैलापागोस आयरलैंड के ऊपर किया था। इन्होंने किसके ऊपर किया था, मैंने गलत बता दिया, इन्होंने कहां पे वर्क किया था और इन्होंने कहां पे वर्क किया था? अच्छा, ये गैलापागोस के ऊपर किए थे और ये मलाई के ऊपर किए थे। ओके, और ये आपके थॉमस मैल्थस, उन्होंने कुछ थेरीज क्रिएट किए थे। दिस थेरीज आर लाइक्ड बाय डार्विन। डार्विन को इनकी थेरीज बहुत पसंद थी। ओके, मैथ्यूस की थेरीज। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसको हम डील करेंगे। डार्विन की थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी, उसको डील करेंगे। डार्विन के जो दो कंसेप्ट, डार्विनिज्म के दो कंसेप्ट थे, क्या कंसेप्ट थे? डार्विन बोलते थे कि ब्रांचिंग डिसेंडेंट, मतलब सब सबके सब सबका सब एक कॉमन एंसेस्टर है और उसी से क्या हो गया, ऐसा डेवलपमेंट हो गया। अब कैसे हो गया हमने देखा है, डार्विन ने बताया था। दूसरा, इट एक्सप्लेन्स व्हाट, इट एक्सप्लेन्स द ऑल ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड डिसेंडेंट ऑफ द प्रीवियस फॉर्म ऑफ लाइफ, ऐसा बोलते थे। दूसरा, नेचुरल सिलेक्शन तो बोला था हमने, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल दिया था ना, ये वाला एग्जांपल, ये देखो पहले से क्या होता है नेचर के अंदर, ऑलरेडी क्या है, दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं लेकिन पता नहीं चल रहा था, इसलिए कॉलोनी ए ही बोल रहे थे, लेकिन कुछ हमने इधर एंटीबायोटिक डाल दिया, एक बच गया, दूसरे बाकी सब खत्म हो गए, तो जो बच गया उसका नंबर बढ़ गया, ये बनी नई स्पीसीज। मतलब वेरिएशन पहले से था लेकिन जो बच गया, देखिए जो बच गया वो नया स्पीसीज कहलाएगा, ऐसा मतलब ये डार्विनिज्म था। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट, ये इतने सारे फैक्ट थे उसके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड था। हेरिटेबल मैनर ऑफ वेरिएशन, अगर वेरिएशन है तो वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है, पहले से है और पहले से था, है ना, वो क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा सकता है, ये किसने बताया आपके, डार्विनिज्म बताया। ओके, चलिए दूसरा चीज, ओवर प्रोडक्शन, अगर कोई चीज ज्यादा बढ़ गई, मतलब कोई चीज अगर ज्यादा बढ़ गई तो वो बच जाएगी। अगर मान लीजिए किसी एरिया में खाली हाथी बहुत सारे तो हाथी बच जाएंगे, है ना, इस तरीके से बोल सकते। दूसरा, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस, अगर मान लीजिए क्या हो गया, अगर खाने के लिए कम है, कुछ लोग बच जाएंगे बाकी लोग सब लोग मर जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, दो लोग फाइट करेंगे तो क्या होगा, उसमें से एक बच जाएगा दूसरा मर जाएगा, यानी सिलेक्शन हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन, ऐसा बोल सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में रहने के लिए फिट है वो बच जाएगा, इस तरीके से अलग अलग ये नेचुरल सिलेक्शन के क्या थे फैक्ट्स, उसके ऊपर जो थ्योरी बेस्ड आपको पता होना चाहिए। चलिए एक एक करके डील करते हैं। हैबिटेट माइनर वेरिएशंस, इट इज आइदर बेनिफिशियल और हार्मफुल टू द व्हाट ऑर्गेनिज्म, अगर क्या बोल सकते, हेरिटेबल माइनर वेरिएशन, अगर वेरिएशन रहा तो कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी कभी बुरा भी हो सकता है, मैंने बोला था वेरिएशन म्यूटेशन की वजह से आता है। ओवर प्रोडक्शन मतलब पॉपुलेशन साइज ग्रोस एक्सपोनेंशियली ड्यू टू द मैक्सिमम रिप्रोडक्शन, इट इज बैक्टीरियल पॉपुलेशन, तो कभी कभी क्या होता है रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सेलेक्ट हो गया, नेचर ने क्या कर दिया उसी को सेलेक्ट कर दिया, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ओवर प्रोडक्शन करेगी वही पॉपुलेशन वहां पर रह जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं, बाकी लोगों को बचने। लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस, अगर खाने के लिए बहुत कम होगा, रिसोर्सेस आर नॉट इंक्रीज इन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज, अगर क्या होगा पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेस बहुत कम है तो क्या होगा, उस केस में क्या हो सकता है, जो जिनको मिल रहा है वो बच जाएंगे, नहीं मिल रहा मर जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। ये देखो ये एग्जाम्पल दे यहाँ पे किस तरीके से, चलिए ये एक एक का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, चलिए नीजर द एग्जाम्पल वन सुन लो, लेट्स गो आगे की तरफ चलते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इट इज द कॉम्पिटिशन अमंग द ऑर्गेनिज्म फॉर रिसोर्सेज दैट पॉपुलेशन साइज इज लिमिटेड, तो अगर जो झगड़ा होता है तो उसमें से जो बच जाएगा ऐसे बोल सकते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल वेरिएशंस यूटिलाइज रिसोर्सेज, हियर दे सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, इट इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इट्स लीड टू द चेंज इन पॉपुलेशन एंड न्यू बर्न अपीयर, मतलब इनडायरेक्टली वही बोल रहा है, जो जिसके पास जो मतलब सहन करने की क्षमता है उस कंडीशन को वो बच जाएगा और वो क्या होगा जिंदा रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके, चलिए दूसरा चीज देखते हैं। ह्यूगो डे वेरिस प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी, बताई थी किस प्लांट के ऊपर वर्क किया था उसका, ओथेर है ना, ऑनथेरा लैमार्किना है ना, लैमार्किना ये उनका प्लांट था पता होना चाहिए। और इट इज बिलीव दैट द इवोल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू द
है ना, म्यूटेशन, म्यूटेशन नॉट बाय माइनर, मतलब म्यूटेशन की वजह से होता है, मतलब क्या होता है, सडनली होता है, उनका ऐसा कहना था. ओके तो ये आपका ये इवनिंग प्राइमरोज है, और मैंने बताया था कैसे म्यूटेशन होता है, और जो फेवरेबल है सेलेक्ट होते हैं, अनफेवरेबल रिजेक्ट किए जाते हैं. तो देखिए जरा, देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या था. तो इनके हिसाब से, डार्विन के हिसाब से क्या था, और उनके देखिए, डार्विन बोलता था कि माइनर बहुत हल्के हल्के से होता है. डार्विन क्या बोलता, एक ही है, धीरे धीरे से क्या होगा, धीरे धीरे से डेवलप होगा, धीरे धीरे से हल्का हल्का डेवलप होगा, ऐसा डार्विन बोलते थे. मतलब क्या, डायरेक्शन और अच्छे से डेवलप होगा. डार्विन इनडायरेक्टली वही बोल रहे थे कि जीरा आपकी नेक जो है ना, धीरे 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 से क्या होगा, बड़ी होती गई, ऐसा धीरे धीरे से, ऐसा डार्विन बोलते थे, ऐसा डार्विन का कहना था. डार्विन कंफ्यूज में आता, ऐसा लगता है मुझे कभी, ही इज कंफ्यूज पर्सन. एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशन, और धीरे धीरे से होता है, क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, ऐसा बोल सकते हैं एकदम स्लोली. बट व्हाट इज सेइंग म्यूटेशनल वेरिएशन क्या बोलते हैं, जो कि लामार्क ने बताया था, सडन अचानक से क्या होता है, कुछ अलग कैरेक्टर आ जाता है, रैंडमली, फिक्स नहीं भैया, और डायरेक्शन कहीं से भी हो सकता है, ऐसा बोल रहा है, कब कब होगा कुछ पता नहीं, म्यूटेशन. हेंस स्पेशिएशन, मतलब स्पेशिएशन हो सकता है, सडनली नया स्पीसीज बन सकता है, सिंगल स्टेप, अचानक से एक ही स्टेप में क्या हो सकता है, नया स्पीसीज बन सकता है, लार्ज म्यूटेशन, उसको बोलते हैं साल्टेशन. साल्टेशन मतलब क्या, सिंगल स्टेप, अचानक से एक बड़ा म्यूटेशन हो गया और क्या हो गया, एक नया स्पीसीज बन गया, उसको बोलते हैं साल्टेशन. अचानक से सिंगल स्टेप एक बड़ा म्यूटेशन हो गया, उसको बोलते हैं साल्टेशन. साल्टेशन का मतलब क्या है, स्पेशिएशन. ओके चलिए, लाइक इस तरीके से डील कर सकते हैं. तो ये खत्म हो गया कहानी, इतना ही था. और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और ये हार्डी वेनबी का प्रिंसिपल ये रहेगा अभी तक, इसके क्वेश्चंस मुझे लेने हैं, मैं क्वेश्चंस लूंगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज ये कुछ समझ में नहीं आएगा. बट हल्का फुल्का आइडिया आ चुका होगा. बस जीन पूल क्या रहता है कि याद रखो, हार्डी वेनबी का इक्विलिब्रियम क्या रहता है उसको याद रखो अच्छे से एक एक करके, और जो एक्सप्रेशन कैसे आता मैंने बताया था, अल्लिक फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते, अल्लिक फ्रीक्वेंसी निकालने के ऊपर क्वेश्चन आता है. ओके चलिए, उसके बाद देखे था जीन माइग्रेशन, मतलब एक पॉपुलेशन तो दूसरे पॉपुलेशन में जीन का चला जाना, चला जाने से क्या होता है, हार्डी वेनबी इक्विलिब्रियम खराब होता है. ओके जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या रहता है, मैंने बोला था अचानक से सडनली किसी पॉपुलेशन से एक एक जो वेरिएंट है वो खत्म होना, यानी एक अलील खत्म होना, उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सडनली, है ना. म्यूटेशन तो पता है, तो म्यूटेशन होने से भी क्या होता है, वन रेशियो नहीं आएगा, कुछ और बढ़ होगा, रिकॉम्बिनेशन है. अगर नेचुरल सिलेक्शन हो गया, छोटे लोग सब मर गए, बड़े लोग बच गए, है ना, सारे के सारे छोटे लोग मर गए, जितने सारे छोटे लोग तो मर गए, खाना नहीं मिल रहा था, देखो कुछ लोग मर गए, यानी डॉर्फ सारे के सारे चले गए. तो नेचुरल सिलेक्शन होने से भी क्या होता है, वन नहीं आता, रेशो कुछ और आता है, कि स्मॉल एक खत्म हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं. ओके जीन माइग्रेशन क्या रहता है, मैं बता रहा था, तो जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, तो ये इधर भी रेड होना चाहिए, इधर भी रेड, ये गलती से आया रेड. तो एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन जाएगा, इसका भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम खराब होगा, इसका भी ये दोनों पॉपुलेशन का इक्विलिब्रियम खराब होता है, पॉपुलेशन ए हो बी हो, अगर इंटरचेंज होगा तो. ठीक है, फिर द जीन फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर चेंज इन बोथ द पॉपुलेशन, यहाँ पे दोनों के पॉपुलेशन के अंदर खराब हो रहा है, दोनों के दोनों. जीन फ्लो ऑकर्स माइग्रेशन हैपेंस इन मल्टीपल टाइम्स, अगर बार बार हो गया तो. अब दूसरा देखते हैं, है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, देखिए मैंने बोला था जीन फ्लो बाय द चांस कॉजिंग चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, समटाइम्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी सो डिफरेंट इन अ न्यू सैंपल. अब देखो ये बाय चांस होता है कभी कभी, बाय चांस मतलब किसी का पैर गिर गया, बाय चांस खत्म हो गया, वहां बाय चांस नहीं होता, जानबूझकर माइग्रेशन होता, लेकिन यहाँ बाय चांस क्या हो गया, खत्म हो गया पूरा का पूरा, ऐसा बोल सकते हैं. समटाइम्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी सो डिफरेंट इन न्यू पॉपुलेशन दैट द बिकम डिफरेंट स्पीसीज, वो अलग से क्या बन जाते, स्पीसीज बन जाते. क्यों, लेकिन देखो यहाँ से कुछ लोग उड़ के चले गए रेड वाले आइसलैंड पे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, कंप्लीटली डिफरेंट बन गया, अब क्रॉसिंग करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट भी नहीं होने वाला, होगा तो अनफर्टाइल होगा, है ना, फर्टाइल नहीं होगा, इस तरीके से बोल सकते, स्टराइल बन जाएगा पूरा का पूरा. जो नई पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं फाउंडर, इस इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट. ओके चलिए, उसको देखा था म्यूटेशन, म्यूटेशन तो पता है क्या होता है, इसके बाद व्हाट दे आर सेइंग, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू फेनोटाइप एंड फ्यू जनरेशन, दिस लीड टू द स्पीशिएशन. तो फेनोटाइप बनता है, इससे क्या होता है, नया स्पीसीज बनता है, कैसे बनता है देखा हमने. सो देन हमने देखा था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या रहता है एंड हाउ इट लीड्स. ओके टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखे थे हमने, क्या क्या देखे थे, उसके टाइप्स देखे थे ना, हाँ कौन कौन से, स्टेबिलाइजिंग, डायरेक्शनल, तीसरा क्या, डिस्ट्रक्टिव. अब सभी याद रखो, मीन से डेविएशन कैसे हो रहा है, मीन 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 मतलब ये मीन से डेविएशन कहाँ पे हो रहा है उसके अनुसार ये चीज बताई गई. ओके अब इसका तगड़े एग्जांपल देखिए, स्टेबिलाइजिंग मतलब क्या, याद रखो ह्यूमन बेबीज आर द एग्जांपल ऑफ द स्टेबिलाइजिंग पॉपुलेशन. मतलब क्या बोल सकते, हियर द मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू एंड वेरिएशन इज रिड्यूस्ड. मतलब देखते ना, मतलब बेबी का वजन अगर मान लो 2 किलो से लेकर कुछ 4 किलो के बीच में होगा, तो 3.5 मतलब 2.5 केजी से लेकर, है ना,
2.5 से लेकर 3 केजी का बच्चा क्रिएट होता है, समझ समझ में आ रहा है? इसका मतलब मीन वैल्यू को पकड़ पकड़ा जाता है, मीन वैल्यू है ना, इस तरीके से बोल सकते हो। 5 केजी तक, 2 केजी से 5 केजी होगा तो इसका मीन वैल्यू पकड़ा जाता है, उसको बोलते हैं स्टेबिलाइजेशन। उसके और भी एग्जांपल्स है, अब ये इतना क्लियर नहीं होगा, इसके एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, दूसरा डायरेक्शनल मतलब क्या, ऑलरेडी मीन वैल्यू है और कुछ और सेलेक्ट करना, मतलब है ना एक्सट्रीम को सेलेक्ट करना। जैसे मैं बोला था मिल्क, ज्यादा मिल्क देने वाली काऊ पकड़ो, है ना, कम मिल्क वाले मिल्क वाली काऊ को एलिमिनेट करो, ऐसा बोल रहे हैं। हेंस द इंडिविजुअल फॉर्म्स एक्सट्रीम वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर एंड दैट इज मोर फेवर, ऐसा बोल सकते हैं। डिस्ट्रप्टिव मतलब एक्सट्रीम एंड्स को, पेरिफेरल जगह पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये चूहे का एग्जांपल दिया, चूहे का जो फर है, फर फर मतलब उनके जो ऊपर के जो स्किन है, उसके स्किन के अनुसार क्या क्या उन्होंने मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं फिनोटाइप ऑफ फर, ओ सॉरी जस्ट वन मिनट, हाँ यहाँ पे देख सकते हो कि देखो अगर इसका ग्रे कलर का माउस आ गया, ज्यादा ब्लैक भी नहीं ज्यादा व्हाइट भी नहीं, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ चला गया। अब ब्लैक चाहता है, ब्लैक नेचर ब्लैक को सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना, ब्लैक को सेलेक्ट करना नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, कि ब्लैक को सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं, तो अंधेरे में मतलब सांप को दिखाई ना दे हो, अंधेरे में जो सांप व्हाइट कलर के दिखाई दे होंगे, ब्लैक कलर के नहीं दिखाएंगे दे होंगे, क्योंकि सांप रात में शिकार करने के लिए निकलता है ऐसा बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर वाले बच जाएंगे। तो ग्राफ कैसा होगा, इधर की तरफ चला जाएगा काइंड ऑफ, और ये क्या हो गया, व्हाइट और ब्लैक ही बच जाएंगे, क्योंकि दिन में शिकार व्हाइट का नहीं होता है, व्हाइट दिन में दिखेगा नहीं और ब्लैक रात में नहीं दिखेगा, तो क्या होगा, बीच में के सारे मर जाएंगे, ऐसा काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग लॉजिक देख सकते, देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जस्ट वन मिनट, इसको देख रहे थे ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इवोल्यूशन। तो ये प्रोटोजोइक, पैलाजोइक एंड मेसोजोइक, ये तीन एरास थे, सॉरी चार एरास थे, और इसको हमने डील किया था कल। ओके, सो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर आया था 200 मिलियन साल, ये कहानी है। ओके, किस तरीके से आया था, क्या नहीं, रिएक्शंस हो गए थे, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया, और इसके अंदर 6 पीरियड है, कैम्ब्रियन है ना, ओकेरडियन, सेलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड प्रीमियन, है ना, ये सारे के सारे पीरियड्स। पैलेजोइक एरा के अंदर ये इतने पीरियड्स आते, 6 पीरियड आते पता होने से पैलेजोइक के अंदर। ओके, इसके बाद बोल सकते हैं 500 मिलियन साल को क्या होगा, वर्टिब्रेट बने, 450 मिलियन हो फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिज्म, ये ब्ला 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 पूरा का दिया है। अब इतना डिटेल में ये जॉ याद रखो, ये जॉलेस फिश कब आई थी इसका याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जॉलेस फिश कब आई थी, ठीक है, जॉलेस फिश कब आई थी, ये 350 मिलियन साल, तो ये आप समझ सकते हो कुछ टिपिकल दिख रहा है मतलब उसको याद रखने का। ओके, अर्थोपॉड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, और प्लांट लगभग ये पूरा डाटा इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना। ओके, उसके बाद देख सकते हैं और लोफ फिंस वाले, लोफ फिंस मतलब जिसके फिंस बहुत तगड़े हैं उसको बोलते हैं लोफ फिंस, फिंस यानी जमीन के ऊपर चल सकते थे इतने तगड़े, ऐसा बोल सकते हैं ना लोफ फिंस। ये कब आए थे, 350 मिलियन साल, ये भी डाटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वाटर में आते जाते थे इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, ये और इससे सैलमेंडर वगैरह आज के लोग दिखते ना, इस तरीके से बोल सकते। और ये कोलियोकैंथ का, कोलियोकैंथ मिला था, है ना, कोलियोकैंथ जो कि लोब्स फिंस थे, जो कि एक्सटिंक्ट हो गए बोल रहे थे लेकिन मिल गया, 1838 मिला था याद रखना। इसके अंदर ये भी दिया, फोटो भी दिया, ओल्ड ये मिली थी, अब आज भी मिलती है ऐसा बोलते हैं, इसको देख सकते हैं। इनवर्टिब्रेट वगैरह सब कब मिले इसको याद रखना सर का सर से। और ये सब कैसे इवोल्यूशन हो गया, है ना, अर्ली एम्फीबियंस और अभी के मॉडर्न एम्फीबियंस याद रखना। मॉडर्न एम्फीबियंस कौन कौन है, सैलमेंडर एंड फ्रॉग, जो कि फिश इवॉल्व हो गया ऐसा बोलते हैं। फिश से इवॉल्व हो वाले कौन है, ये आपका ये सैलमेंडर और फ्रॉग याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए ये सारे और ये चीज याद रखना, 320 मिलियन साल को सी वीड और फ्यू प्लांट्स वेर एग्जिस्टेड, ये थे एग्जिस्टेड था ना। एम्फीबियंस इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस कहाँ से आ गए, रेप्टाइल्स आगे बोलते हैं ना, थिक शेल्ड एग उनके बनने लगे, क्यों बनने लगे, ताकि सनलाइट में ड्राई ना हो सके, इसलिए क्या हो गया, थिक शेल्ड एग बन गया ऐसा बोल सकते है ना। जाइंट फर्न, देखो ये डायनासोर बड़ा और उतना ही बड़ा फर्न है, क्योंकि फर्न बहुत छोटा रहता है लेकिन फर्न देखो कितना बड़ा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना, प्रेजेंट बट दे फेल फ्रॉम कोल्ड डिपोजिशन। तो फर्न से क्या बन गया, कोल्ड डिपोजिशन बन गया, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं क्या, एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म हैज 3 पीरियड, टेरेसिक, अभी कौन सा था, मेसोजोइक एरा के अंदर कौन आता, टेरेसिक, जुरैसिक एंड क्रिटिशियस, ये मेसोजोइक एरा के अंदर कैटेगरी से पता होना चाहिए। उस समय रेप्टाइल्स और जिम्नोस्पर्म थे, बहुत सिस्टमेटिक थे इस स्लाइड के अंदर, रेप्टाइल जिम्नोस्पर्म उस समय क्या थे, प्रेजेंट ऐसा बोल सकते हैं। रेप्टाइल कौन थे, तो डायनासोर थे उस समय के, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, इक्थायोसॉरस जो कि जमीन के ऊपर था लेकिन पानी के ऊपर चला गया, फिर से बोलते हैं इक्थायोसॉरस, है ना, सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू द वाटर एंड इवॉल्व फिश लाइक स्ट्रक्चर,
थायरोसॉरस पानी के अंदर बच गया, जमीन को तो मर जाता है ना। एंड लैंड रेप्टाइल्स वेर डायनासोर, याद रखना ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड रेप्टाइल्स कौन थे आपके? डायनासोर। क्वेश्चन आ सकते ना डायनासोर क्या है पता नहीं चलता है कि डायनासोर यग देता है, इज अ लैंड रेप्टाइल। मैमल बोलते हैं, मैमल नहीं, यग, यग अंडे देता है, आपको पता होगा, इज अ लैंड रेप्टाइल। तो टायरोसॉर रेक्स है ना, ट्राइसोप्स है ना, सर्गोसोर्स, ये सब चीजें याद रखो, एक एक करके आपको पता काम में आएगा। ओके सो एंड ये डिफरेंट डिफरेंट डायनासोर के स्पीसीज के नाम देना पता होना चाहिए, ट्राइस ट्राइसेट्रोप्स एंड ये तो पढ़ा था हमने, स्टेगोसोरस देन लेटर ऑन ब्रांचासोरस एंड ये आपके डिफरेंट डिफरेंट डायनासोर्स। ओके ये याद रखना, ये सबसे ह्यूज लायन टायरोसॉर रेक्स, ये सबसे बड़ा डायनासोर था, 20 फीट, वन ऑफ द बिगेस्ट, उसको भूलना नहीं, सबसे बड़ा डायनासोर था उसको भूलना मत, ठीक है। चलिए एंड फिर हमने देखा था मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म, सिनोसाइक एरा में आते ना मैमल्स, कौन सा था? टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एरा में क्या थे आपके? मैमल्स और मैमोथ वगैरह ये सब थे, आइस एज, ये फिल्म का नाम ही है, आपको पता होगा, लाइक दैट। एंड फिर क्या हो गया आपके? इंसानों का यहाँ से जन्म हो गया, डायनासोर सडनली चले गए, रीजन पता नहीं था क्या था, नोबडी नोज द रीजन, अलग अलग बोलते, सम से क्लाइमेट, सम से कुछ लोग बर्ड में इन्वॉल्व हो गए ऐसा बोल सकते हैं। एंड ओके एंड दिस वाज द थिंग, ये बार बार बोलते रहे तो इसको याद रखना, श्रू सॉरी ये वाला फर्स्ट मैमल वेयर श्रू लाइक देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज, ये याद रखना, फर्स्ट मैमल श्रू लाइक था, फर्स्ट मैमल याद रखना, इसको भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाला चीज किस तरीके से चेंज हो गया सिनोज वगैरह में, ये तो पढ़ा हमने आज के आज, और दैट्स ऑल। ओके अब ये फिर से रिटर्न नहीं करूंगा कि ऑलरेडी लिया था हमने। नाउ विल टेक सम क्वेश्चंस। ओके अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे तो क्या होगा उससे आपको आइडिया आ जाएगा। ओके जस्ट वन मिनट, किसमें क्वेश्चंस है? इसमें चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब पढ़ा ना अभी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसने बताया था? अच्छा ये थोड़ा अलग से हल्के है लेकिन बता दिए। अच्छा याद रखना, आपको पता है। अच्छा है ओके। सो द थ्योरी ऑफ स्टेट दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ वेयर क्रिएटेड बाय द डिवाइन पावर। अच्छा क्या बोलते हैं उसको? कॉस्मोजाइक थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ एंड थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, क्या बोलते हैं उसको बताइए? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, बहुत बढ़िया। जस्ट वन मिनट, वन मिनट मजा नहीं आएगा। जस्ट वन मिनट, एक मिनट में स्टार्ट करता हूँ, जस्ट एक मिनट रुकिए, जस्ट वन मिनट। ठीक है इधर है ना, जस्ट एक मिनट रुको, ये मथुरा
मुझे आमन सर ने बोला कि म्यूजिक लगाओ थोड़ा, बच्चों को अच्छा लगता है. ओके सो मेरा आवाज और म्यूजिक आवाज मैच हो रहा है ना? मैच मतलब मेरी आवाज तो सुनाई दे रही आपको अच्छे से? दे रही ना? हाँ, साउंड कम करो या फिर इज इट ओके? ओके चलो ठीक है. क्या है म्यूजिक में क्या रहता है, क्वेश्चन का आंसर तो. ये तो हो गया. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, रेजिस्टेंस फॉर लाइफ ऑफ स्पर्मेटोजोआ, कॉस्मेटोजोआ, कॉस्मिड्स एंड स्पोरोजोआ. कॉस्मोजोआ ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन पता होना चाहिए. इट्स अ कॉस्मोजोआ, डोंट टेक्निशियन, उसको बोलते हैं कॉस्मोजोआ. ठीक है, याद रखना कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है. रेजिस्टेंस फॉर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द कॉस्मिक डस्ट हैविंग रीच्ड इनटू द अर्थ एक्सीडेंटली फ्रॉम द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस. सोहम, ऐश्वर्या, सुमित, पूजा और किस किस ने आंसर दिया? सब ने आंसर दिया. गुड, आर्या सही है. इट्स व्हाट, इट्स अ कॉस्मोजोइक थ्योरी. ओके चलो ठीक है, नाइस. थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ ऐश्वर्या, सुमित, रोहन, अभिराज, सोहम, जिज्ञासा. ओके थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस का आंसर क्या है? थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस स्पॉन्टेनियसली बनता है ना, तो अबायोजेनेसिस आएगा, याद रखना. इट्स अबायोजेनेसिस, ओके भूलना मत. चलिए नेक्स्ट. बंद हो गया. थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस वॉज बिलीव्ड बाय सर सुमित प्राइवेट कहां से सेंड करना है? विद्या सरिता एकेडमी होस्ट. ओके अरिस्टोटल, वेरी सिंपल. जरा रुकिए. आंसर क्या है देखिए, आंसर ये है. जरा रुकिए, आंसर ये है. जनरली इनका नाम लिया था, ये लोग भी है याद रखना. थेल्स, प्लेटो, वॉन हॉलबेल्ट, दिस ऑल आर देयर. ठीक है याद रखना, ये तो है ही, ही इज द पर्सन, बट साथ साथ में ये लोग भी थे. एक्स्ट्रा चीजें बताना, जो थैले हो, प्लेटो हो, वॉन हेम्बल, ये थोड़ा अजीब सा नाम है क्योंकि रिसेंट पर्सन है, इसलिए इसका नाम भी याद रखना. ठीक है, एग्जाम में क्या लिखना है, अगर ये आया तो ये टिक करो, सारे के सारे आए तो ऑल ऑफ दिस करो, दैट्स ऑल. क्या लिखोगे? ये है, मैं जनरली इनका नाम लेता था, ये लोग भी है, ये लोग भी है. इनका कभी नाम नहीं लिया, मतलब ऐसा नहीं कि ये लोग नहीं है. ओके ठीक है चलो आगे की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट थ्योरी को बाय स्वैन नेक फ्लास एक्सपेरिमेंट थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस इज कंफर्म बाय, बहुत सिंपल आंसर है. मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? वॉल्यूम को क्या हो गया? आई एम ऑडिबल? कम है साउंड को? क्या हो गया? ऑडिबल है ना, मैं तुम सबको ऑडिबल हो ना? क्लियर है ना साउंड मेरा? अभी क्लियर है. ओके कम आ रहा है, ठीक है छोड़ दो, आंसर दो. लुईस पाश्चर, दिस इज द आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Origin of primordial life on the earth was associated with theory of origin of universe, theory of origin of species, theory of origin of prokaryotics, theory of क्या हो सकता है? देखिए
प्राइमोर्डियल लाइफ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. ओके, एनसीईआरटी का लाइन है ये, या पता होना चाहिए. ओके चलिए आगे चलते. द साइंटिस्ट डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ लाइफ इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. अच्छा ये नाम याद रखना, हमारे सिलेबस में नाम याद रखना. ओपेरॉन ने बताया था, सिलेबस की बात नहीं, बस क्वेश्चन को याद रखना. ठीक है चलिए. द एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वाज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग कंडेंसेशन एंड पॉलीमराइजिंग एटमॉस्फेयर. बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है. सबके नाम नहीं लेते बताऊंगा. पहले रिड्यूसिंग था, बाद में क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग बन गया लेटर ऑन, है ना. तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, बिल्कुल सही है. थ्योरी ऑफ प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर वॉज ऑक्सीजन इज अबंडेंट, कार्बन वॉज अबंडेंट फॉर दैट, हेलियम और हाइड्रोजन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सोहम, श्रीराज, शानिका, रोहन, अस्मिता, स्नेहल, आदित्य, जिज्ञासा, सबने से आंसर दिया है रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन. अर्ली अर्ली याद रखो. The primitive ocean is described as the hot dilute soup by, I think this line of NCERT. पढ़ा था हमने, ये लिख के भी दिया था मैंने. Who is this person? ये person कौन है? Clue भी दिया है. जिन्होंने diagram स्लाइड के अंदर ये आए थे, स्लाइड के अंदर थे ये. हेल्डन, बहुत बढ़िया, गुड. दिस आर द लिटिल बिट आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, लेकिन इसको याद रखो, पता होना चाहिए. ठीक है नेक्स्ट. कोसोरेट एंड माइक्रोस्फीयर्स आर प्रोटोसेल्स, प्रोटिस्ट, प्रोबायोंट्स एंड प्रोटोजोअन्स. लॉजिक ओवरव्यू के अंदर बताया था मैंने, ओवरव्यू के अंदर क्या थे, देखते आपका आंसर क्या आता है, देखते. याद रखने, आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन आपको याद रखना है. ठीक है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है. बहुत सारे लोगों ने आंसर सी दिया, मैं पढ़ा नहीं सबका, लेकिन बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. द प्रीबायोटिक सूप there was the membrane bound structure and multiply by budding. It's a microsphere, it's a coacervate, it's a micrometer or replicate. ये बढ़ाया था, बताया था मैंने. ओके ओके, बहुत सारे लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं. तरीके से बडिंग होता था ऐसे, दो नए लोग क्रिएट होते हैं. बिल्कुल सही है. केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज एक्सपेरिमेंटली सपोर्टेड बाय ओपेरॉन, हेल्डन, यूरिया मिलर, फ्रांसिस कोरेडिस पेलेजनी एंड थेल्स एंड प्लेटो. ओके ओके, रुतुजा, स्नेहल, अस्मिता, कुंज, रोहन, अभिराज, मानसी, जिज्ञासा, वैष्णव, कदम, सानिका, रोहन, हंगे. आंसर इज करेक्ट. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने बताया था, है ना, इसलिए भी आंसर सही है, बिल्कुल सही है. द गैसेस मिक्सचर सील्ड बाय द मिरर इन द चेंबर
सेम क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, ये सेम क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, डिक्टो बिल्कुल भी चेंज नहीं था। सही आपका आंसर, याद रखना बहुत अच्छा है। लेकिन द अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस्ड इन द सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलर एंड यूज फर्स्ट। अच्छा ये आउट ऑफ सिलेबस है, याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखो सिर्फ। ग्लाइसिन, एलानिन एंड एस्पार्टिक एसिड याद रखना है, इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस, हमारे सिलेबस की बात नहीं है, ठीक है, पता होना चाहिए, बस याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। ये द अमीनो एसिड प्रोड्यूस इन द सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ द मिलर एंड यूजर फर्स्ट ग्लाइसिन एलानिन एस्पार्टिक एसिड, इसको याद रखो, ठीक है। टर्म ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज कॉन्ड बाय, किसने बताया था बताइए इन चारों में से, इज इट? अच्छा बता रहे क्या, अलग अलग आंसर सारे, अलग अलग। स्पेंसर, स्पेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है। टर्म बोला, ये वर्ड, वर्ड किसने यूज किया था, स्पेंसर ने यूज किया था, हो गया था, ओके कोई दिक्कत नहीं। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ऑर्गन दैट आर कॉमन इन ओरिजिन इन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड हैव सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड एज, आप ये बता दो, आप ही बता दो, आप ही बता दो, मैंने बताऊंगा। हाँ अविराज, समीर, आर्या, गुड, अस्मिता, ह्यूमन कैट, वैक एंड बैट, को याद रखना है। It's what same fundamental structure but perform different functions are called homologous organ. बिल्कुल सही। Homology is yes please. सोच के बताना। जिन लोगों ने ये आंसर बताया उनका आंसर सही है, बहुत सारे लोग भी बता रहे थे। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, डांस कर रहे हैं ना। चलिए विल गो अहेड। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ द बर्ड्स आर एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस एनालॉगस पैरेललिज्म एंड बी 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 बी, बिल्कुल सही, सबके नाम नहीं पढ़ पाया मैं। सही है, बिल्कुल सही है। The mouth part of insect contain the similar structure, so they are all insect, सबके सब same structure दिखा रहे हैं। What they are? Analogous organ, homologous organ, vestigial organ और atavism organ, अब बताइए। लॉजिक है ना, देखते क्या बताते सब लोग आंसर क्या देते हैं। ऑल इंसेक्ट, सारे के सारे इंसेक्ट ऐसा कर रहे हैं। होमोलॉजी, होमोलॉजी याद रखना है, क्या होमोलॉजी याद रखना, ओके सेम। This evolution is process given rise to new species that are adapted to new habitat and the way life. देखते हैं।
समर फ्रूट, समर वेजिटेरियन, समर नॉन वेजिटेरियन, इनसेट के अंदर कुछ वेज खाते कुछ नॉन वेज खाते, इसलिए दिस इज इवोल्यूशनरी प्रोसेस गिव्स राइज टू न्यू स्पीसीज दैट अडैप्ट टू न्यू हैबिटेट। अच्छा ये थोड़ा बताइए, सोच के बताइए। ये पढ़ा था सेंटेंस, जस्ट रिसेंटली पढ़ा था हमने। अब क्या होगा आंसर? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट जैसा हैबिटेट है उसके अनुसार क्या कर रहे, चेंजेस ला रहे ना, इसलिए। डार्विनिज्म स्टडीड द फौना एंड फ्लोरा ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड। Malay Archipelago, Galapagos, and answer is very simple. सबने सही आंसर दिया। इस प्रकार से दिखता, याद रखना, it look like this. उसका ये ऊपर वाला view है, पता होना चाहिए, it look like this. ये Galapagos Island है। There are considered living laboratories. Of evolution, Andaman, Malay, Galapagos, and ये ही है, उसका आंसर भी सेम रहेगा, बताइए। यस सही है, सही है, सही सही है, याद रखना, लिविंग लेबोरेटरीज। Finches birds explain convergent evolution, adaptive radiation, parallel evolution, or homoplasy. रेडिएशन ना, सही है, सही है, आपने सबने सही आंसर दिया, गुड, बहुत बढ़िया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सही, आप लोग बी क्यों बोल रहे थे? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से पूछा है ना, एक मिनट रुकिए, चेक करता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ। The wings of butterfly and wings of birds are example of. Oh, इसका आंसर दे दिया मैंने पहले से, सही है ना लोगों? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सोच के बताना, गड़बड़ मत करना, इसका आंसर क्या आएगा सोच के बताना। The wings of butterfly and the wings of birds explain
सिमिलर अडेप्टेशन फॉर द लाइफ इन डिफरेंट हैबिटेट अडेप्टेशन फॉर न्यू हैबिटेट एंड द वे ऑफ लाइफ सिमिलर अडेप्टेशन फॉर द लाइफ इन सेम हैबिटेट द इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम रिमोट एंसेस्टर. सब लोग क्या आंसर बता रहे हैं एक बार फिर से बता दो. कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है. सही है. जिन लोगों ने थ्री बताया बिल्कुल सही है. सिमिलर एडेप्टेशन दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं उड़ रहे हैं फॉर द लाइफ इन सेम हैबिटेट. दोनों के दोनों कहां रहते हैं सेम हैबिटेट में. ओके okay? इस तरीके से बोल सकते हैं. नहीं नहीं बोथ आर लिविंग इन सेम हैबिटेट. दोनों ही दोनों दोनों के दोनों जमीन के ऊपर रहते हैं ना आसमान. एक पानी के अंदर एक इसके अंदर रहता क्या. नहीं ना इसलिए डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडेप्टेशन फॉर द लाइफ इन सेम हैबिटेट बट मोर डिस्टेंटली रिलेटेड एनिमल. इसको क्या बोलते हैं देखते हैं. हैबिटेट कैसे डिफरेंट होगा. बर्ड और बटरफ्लाई कहाँ रहते हैं. लैंड के ऊपर ही रहते ना. पानी के अंदर रहते क्या. नहीं रहते ना. समझ में आ रहा है. इसलिए ऐसा बोला हैबिटेट चेंज नहीं होता उतना. हैबिटेट का उतना फर्क नहीं गिरता. इसलिए आंसर थ्री है बराबर है वो. ओके चलिए लॉजिकल क्वेश्चन अगेन फिर से देखते क्या होता है. सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं. सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं. डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर अडेप्टेशन फॉर द लाइफ इन सेम हैबिटेट बट दे आर डिस्टेंस रिलेटेड एनिमल. बहुत दूर का रिश्ता है उनका ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे. कन्वर्जेंट कन्वर्जन कर रहे कन्वर्ज डिस्टेंस रिलेटेड ना. इस तरीके से बोल सकते अनरिलेटेड बोल सकते इनडायरेक्टली अनरिलेटेड. इट्स अ कन्वर्जेंट. अडॉप्टिव रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल ऑकर ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड जुरासिक पीरियड. देखिए आप कोशिश करो देखते हैं कितना सॉल्व कर पा रहे. जुरासिक पीरियड प्रीमियन पीरियड बताइए. रेप्टाइल का कब हुआ होगा. लॉजिक लगाइए लॉजिक. अब जो आंसर दे रहे इसका रीजन बताओ. एनसीईआरटी साथ में रख के आंसर दो कोई दिक्कत नहीं. एनसीईआरटी साथ में रखो और आंसर दो. अडॉप्टिव रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल ऑकर ड्यूरिंग रेप्टाइल का कब हुआ होगा. रीजन बताओ खाली ठोको मत. रीजन बताओ उसका. रीजन बताओ तो मैं मान लूंगा. व्हाट इज द रीजन. अच्छा ओके ओके जुरैसिक जुरैसिक पीरियड में एग्जिस्ट करते थे कौन. डायनासोर्स एंड डायनासोर्स आर रेप्टाइल्स. उसी समय में क्या हो गया. उसी समय में अडॉप्टिव रेडिएशन ऑकर ड्यूरिंग इसी समय में क्या हो गया. रेडिएशन हुआ हो. ओके दीज आर द एंसेस्टर ऑफ रेप्टाइल. ये रेप्टाइल्स थे
जुरासिक पीरियड में क्या था? डायनासोर था, रेप्टाइल्स, मैंने बोला था, इसलिए आंसर ये है। लॉजिकल क्वेश्चन है। ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव मैमल्स ऑफर ड्यूरिंग टेरेसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड। हाँ आप देखो थोड़ा लॉजिक लगा। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी देखे पढ़ो, एनसीईआरटी देखे बताओ, कोशिश करो। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, दीज आर लॉजिकल क्वेश्चन, देखते क्या होता है, कोशिश करो। वन मिनट, इसका आंसर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को। नहीं नहीं बंद रुको, इसका कुछ तो गड़बड़ है मुझे लग रहा है ऐसा। ओके नो प्रॉब्लम, देखते हैं, क्रॉस चेक करना पड़ेगा उसको, देखते हैं। डोमिनेंस ऑफ डायनासोर एसोसिएटेड विद ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव मैमल्स, ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। यस प्लीज, इससे क्या बन गया होगा? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? मैमल्स बन गए होंगे, बर्ड्स बन गए होंगे। बड़ा क्वेश्चन है ना। ये एनसीईआरटी के अंदर दिया नहीं इसके बारे में कुछ भी। सही है, बर्ड्स मे बी बोला था, मे बी तो बर्ड्स ही है। सही है, Darwinism or appointed as a naturalist in upon very simple, लेकिन ब्रिटेन था या डच था? ब्रिटेन था, डच था। सही है। The title of joint paper, नहीं ये नाम याद रखो, आउट ऑफ सिलेबस है। फिर भी कोशिश करो, देखते हैं, ऐसे ही बता दो, मार दो गोली अगर आया तो सही, लेकिन आपको याद रखना है। Origin of species by the natural selection or the preservation of the favored species in the struggle for life. ये उसका टाइटल था, पता होना चाहिए बस। Out of syllabus है। Book published by the Charles, ये तो पता होना चाहिए। Out of syllabus है, लेकिन कोशिश करो। Origin of species, याद रखना उसको, origin of species. Out of syllabus है लेकिन याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, you have to remember the things. Books by origin of species. ये out of syllabus है। नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं, हमारे सिलेबस का ही है, सॉरी। सिलेबस का ही है। यस प्लीज। ग्रे बोला, ग्रे, यस बिडुलारिया, बिल्कुल सही है, लेकिन ब्लैक दिख रही है ना। पिक्चर तो ब्लैक का दिख रहा है यहाँ पे। आपके लिए क्वेश्चन,
कौन हो सकता है? क्यों? Why? क्यों क्यों बताओ, कुछ तो रीजन बताओ। नहीं, क्यों 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 सुना है? याद रखो उसको, नींदरसल था। डायरेक्ट पहली बार कौन खड़ा हो गया था? कौन था? सही है, सही है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये कोशिश किया था उन्होंने। मोस्ट रिसेंट फॉसिल ऑफ द मैन। लॉजिकल क्वेश्चन है, लगा दो। एनसीईआरटी से लिया है, एनसीईआरटी देख के आंसर दो, देख के आंसर दो, गड़बड़ मत करो, ऐसा कुछ फेंको मत। क्रो-मैग्नन मैन है। चलो ठीक है, विल स्टॉप हियर। कुछ आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, बहुत जरा चीज, तो मैं फिर रुक जाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट टाइम हो गया, रिकॉलॉक हो गया, मैं रुक जाता हूँ फिर, ठीक है। नहीं भी रुक जाते हैं, स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। सो जरा इसको म्यूजिक को बंद करता हूँ, म्यूजिक तब से चल ही रहा है। चुप कहाँ था? ओके ठीक है, चेक करके बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आई विल चेक इट एंड देन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस जा रहे थे, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया, अदरवाइज मैं कंटिन्यू कर लेता। शुरुआत के क्वेश्चन सिलेबस में थे, बाकी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, इसलिए मैंने बंद कर दिया उसको। ओके, सो आपके एग्जाम कल है ना इवोल्यूशन के ऊपर, आज है? हाँ ठीक है, आप लोग सब अच्छे से देना। और क्या बोल रहा था, हार्डी वेनबर्ग के प्रॉब्लम्स रह गए हो सॉल्व करना, आप उसको रिवीजन के समय सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते लेकिन करेंगे सॉल्व। ओके, सो कल से नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया हम, न्यू टॉपिक। हाँ, क्योंकि हमें सिलेबस कवर करना है, तो टारगेट दिया गया है 1 सितंबर 30 तक मुझे सिलेबस पूरा कवर करना है, और सितंबर के बाद अगले 1 तारीख से मुझे बोर्ड भी स्टार्ट करना है, ठीक है, और सेमिनार्स में रिवीजन भी लेने मुझे सारे के सारे। सो विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, नया चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, डेफिनेटली पैनल के ऊपर नहीं लूंगा, बैठ के पढ़ाऊंगा अच्छे से आराम से, थोड़ा थियोरेटिकल क्लैरिटी आएगी। जिस दिन स्लाइड होंगे उस दिन मैं पैनल के ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। डाउट सेशन आज मोस्टली नहीं होगा। ओके, आपके डाउट्स वगैरह सब रिवीजन के समय लूंगा, क्योंकि अभी पूरा शेड्यूल पूरा हैक्टिक चल रहा है। एंड नया टॉपिक क्या होगा, अभी बचा ही क्या, नया टॉपिक कौन सा होगा आपको पता है, बताने की जरूरत थोड़ी है।
और हाँ एमरोलॉजी बचा, एमरोलॉजी स्टार्ट कर लेंगे। लगभग हमने बहुत कुछ कवर कर दिया है, ठीक है, अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फिजिक्स का क्लास है, मैं आपसे कल बात करता हूँ, ठीक है, फुल स्टॉप, थैंक यू। एनसीईआरटी अच्छे से करके आना, इसमें से क्वेश्चन आने वाले, ठीक है।